एपिसोड 281 ट्रैकिंग डिवाइस। क्या आप इनकी फैमिली से हो? दीपिका चेयर से उठी और बोली, आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे? आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? ये कल रात से गायब हैं। जब आपको पता है कि इन्हें डायरेक्शंस नहीं पता तो आपको इन्हें फोन देना चाहिए ना, वैसे भी ये कोई बच्चे तो है नहीं। आई एम सॉरी सर, फोन यूज नहीं करते, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने थोड़ा उदास होकर कहा। पर आपको जबरदस्ती इन्हें फोन देना चाहिए, दीपिका परेशान होकर बोली। वो तो शुक्र है कि कल रात ये मुझे मिल गए, अगर मैं इन्हें घर ना लाई होती तो इनका सारी रात क्या होता? फिर तो आप लोग इन्हें ढूंढ ही नहीं पाते। नहीं, हम इन्हें ढूंढ लेते, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। अंशुमन सर की घड़ी में हमने एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है, फिर सर चाहे कहीं भी हो हमें पता लग ही जाता है। हमें बस कल ही पता नहीं लगा कि ये रात को घर पर नहीं है, हमें लगा ये आज सुबह ही घर से गायब हुए हैं। ये सुनने के बाद दीपिका के पास बोलने को कुछ नहीं था, उसे लग रहा था जैसे उसके सामने कोई मूवी चल रही हो। तनुजा सही कह रही थी, ये कोई आम घड़ी नहीं थी। आपको हमारी वजह से परेशानी हुई, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, वो आदमी आगे आकर अंशुमन का कंधा थपथपाते हुए बोला। अचानक उस आदमी ने बड़े ही प्यार से अंशुमन से कहा, चलो अब हमें चलना चाहिए। अब अंशुमन काफी उदास नजर आने लगा था। वो उठा और दीपिका के पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने दीपिका को एक स्लिप पकड़ाई जिस पर लिखा था, बाय, आई विल मिस यू। ये देख दीपिका शर्माने लगी। वो दोनों सिर्फ एक बार मिले थे, लेकिन न जाने दीपिका को उससे कोई कनेक्शन फील हो रहा था। तभी दीपिका ने कहा, ठीक है अभी के लिए तुम जाओ और इस तरह घर से दोबारा बाहर मत निकलना। अंशुमन ने अपना सिर हिलाया और इसके बाद वो उन दोनों आदमियों के साथ बाहर जाने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने दोबारा पीछे मुड़कर दीपिका की तरफ देखा और फिर वो वहां से चला गया। तनुजा ये सब देखकर मुस्कुराई जा रही थी। फिर वो बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे तुमसे प्यार हो गया? कहीं ये लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं? वो तुम्हें बहुत मिस करेगा, ऐसे कितना अच्छा लड़का है ना। अरमान गुस्से से बोला, उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए भी नोटपैड का सहारा लेना पड़ता है। अगर तुमने इसे डेट किया तो तुम तो परेशान हो जाओगी, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल उसी की तरह बन जाओगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, तनुजा ने जवाब दिया। उसे बोलना पसंद नहीं है, पर क्या पता अक्सर दीपिका उसके साथ ज्यादा समय बिताए तो वो खुद को बदलने के लिए भी तैयार हो जाए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम उससे दूर ही रहना, अरमान दीपिका की फिक्र करते हुए बोला। मैंने उन आदमियों की पॉकेट में कुछ देखा, मुझे तो वो बिल्कुल गन की तरह दिख रहा था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कम ऑन भाई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, दीपिका बोली। दीपिका खुद एक पुलिस ऑफिसर थी, वो अच्छी तरह जानती थी कि किसके इरादे नेक हैं और किसके नहीं। काश तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होता, पर मैंने नोटिस किया कि अंशुमन की उंगलियों पर भी काफी निशान थे। वो निशान तभी हाथ पर पड़ते हैं जब हम गन्स आए दिन इस्तेमाल करते हो। मेरे भी वैसे कई निशान थे जब मैं आर्मी में था। अरमान कुछ देर रुका और फिर आगे बोला, उस लड़के से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी, क्या तुमने नोटिस किया? हाँ, उसमें से किसी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जैसी स्मेल आ रही थी, दीपिका को अचानक से याद आया। हाँ वही तो, आखिर उसमें से ऐसी स्मेल आना नॉर्मल तो नहीं है, उसे बार बार अपने आप को डिसइंफेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? या तो वो किसी हॉस्पिटल में काम करता होगा या किसी लैब में। मुझे तो लगता है कि वो कोई सीक्रेट एजेंट है, तभी तो वो जो दो आदमी उसके साथ आए थे उनकी पॉकेट में भी गन थी, अरमान ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दीपिका को विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। ऐसे कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है वो किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं, तनुजा सोचते हुए बोली। फिर उसने चुपचाप एक झलक अरमान की तरफ देखा। तनुजा इस वक्त दीपिका को ये बताना चाहती थी कि उसका भाई अरमान भी बिल्कुल वैसा ही है। ये सब देख दीपिका हंसने लगी, उसे तनुजा की बातें बिल्कुल सही लग रही थीं। दीपिका कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने अपनी यूनिफॉर्म चेंज की। फिर वो 11 बजे तक अपनी ड्यूटी पर तैनात रही। जब वो पुलिस स्टेशन वापस आई तो उसकी कलीग ने एक मजाकिया अंदाज में कहा, दीपिका तुम्हारा बॉयफ्रेंड फिर से तुम्हें मिलने यहाँ आया है। ये सुनते ही दीपिका की मानो सांसें थम गईं। उसने एक लंबी सांस ली और वो अंदर अपने केबिन में गई। इस वक्त अंदर अक्षत बैठा था। दीपिका के टेबल पर एक बुके रखा हुआ था। जैसे ही दीपिका आई तो अक्षत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो बोला, तुम आ गई, चलो आज एक लंच पर चलते हैं, मुझे नहीं जाना। दीपिका ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वो चेयर पर बैठते हुए बोली, तुम यहाँ से चले जाना चाहिए।
ये सुन अक्षत ने दीपिका की कलाई पकड़ी और वो धीमी सी आवाज में बोला, दीपिका मैं कुछ दिनों से यहाँ से जाने वाला हूँ, जितना टाइम भी मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जब अक्षत ने दीपिका की उंगलियां अपनी कलाई पर देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। वो मन ही मन बड़बड़ाई, अगर ऐसा ही था तो तुम कल आशिमा के साथ क्या कर रहे थे, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था, शायद मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हुई नहीं जितनी की आशिमा। ये सोचते ही दीपिका ने अपने दांत मिसमिसाए और वो अक्षत की आंखों में देखते हुए आगे बोली, अक्षत क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब मैंने हमारी एंगेजमेंट कैंसिल की थी तुमने मुझसे क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए कि हम एक साथ रहना चाहते हैं या नहीं। सच कहूं तो हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, मैं चाहती हूँ कि अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही रहें। ये सुनते ही अक्षत एक पल के लिए मानो जम सा गया, फिर वो बोला, पर तुमने वो सब गुस्से में कहा था। दीपिका प्लीज ये सब बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि कल मैं तुम्हारे पास नहीं आया, मैं किसी जरूरी काम में फंसा था। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारा जरूरी काम, तुम आशिमा के साथ थे, दीपिका ने कहा। अब दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। कल रात मैंने तुम्हें आशिमा के साथ देख लिया था, तभी मैंने तुम्हें फोन किया था, पर तुमने फिर भी मुझसे झूठ कहा। दीपिका की बात सुनते ही अक्षत के होश उड़ गए। अब अक्षत बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगा था। आशिमा पिछले कुछ दिन से अरमान के पीछे पड़ी थी, कल उसकी और तनुजा की मुलाकात हुई और तनुजा ने न जाने उसे क्या कुछ कहा। कल वो बहुत दुखी थी जिस वजह से उसने बहुत शराब पी ली थी। अब तुम तो जानती ही हो कि उसके ज्यादा फ्रेंड्स है नहीं और उसके पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो चुका है, तो आखिर ऐसे में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था। किसी लड़की को इतनी रात को बाहर अकेले छोड़ना सेफ नहीं है, तुम तो ये समझ सकती हो ना, अक्षत बोला। दीपिका चेयर से उठी और बोली, पर तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जब कभी भी तुम्हारे सामने आशिमा की बात होती है तो तुम नाराज हो जाती हो, मैं नहीं चाहता था कि तुम फिर से परेशान हो जाओ, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा, अक्षत ने एक धीमी सी आवाज में दीपिका को समझाया। दीपिका मैं सच कह रहा हूँ, मेरे और आशिमा के बीच कुछ नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे भाई को पसंद करती है। हाँ मैं जानती हूँ कि वो मेरे भाई को पसंद करती है, पर अगर वो तुम्हें पसंद करती होती तो तुम्हें पाने की कोशिश कर रही होती, तो क्या तब भी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आते? दीपिका खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाई। दीपिका तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अक्षत परेशान होकर बोला। मैं और आशिमा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं और वो रिलेशनशिप ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। जब हम छोटे थे तब से ही तुम आशिमा को पसंद करते हो, तुम उसकी तारीफें करते थकते नहीं थे, तुम्हें जब चोट आई थी तब भी सबको पता था, यहाँ तक कि आशिमा को भी, लेकिन मुझे तब कुछ नहीं पता था। दीपिका ये सब बोलते हुए बहुत मायूस दिख रही थी। अगर आशिमा ने ज्यादा शराब पी ली थी तो तुम मुझे बता सकते थे, वैसे भी हम सब दोस्त हैं, हम सब एक साथ बड़े हुए हैं, क्या मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी? अगर तुम मुझे सब बता देते तो क्या मैं तुम्हें आशिमा को छोड़कर मेरे पास आने को कहती? अक्षत तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए, और हमारे बीच ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर तुमने मुझे समझा होता तो आज सब कुछ ठीक होता, दीपिका ने कहा। एपिसोड 282 ब्रेकअप। दीपिका की बातें सुनकर अक्षत का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ तुम्हें अचानक मेरी सब गलतियां दिखने लगी हैं। दीपिका क्या तुम थोड़ा लॉजिकली सोचोगी? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुमने जल्दबाजी में एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी जिसकी वजह से मेरी फैमिली की बहुत बदनामी भी हुई, आखिर अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं आशिमा से दोस्ती ना रखूं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रही हो? हम सब दोस्त हैं, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। दीपिका की आंखों में आंसू उभर आए थे, वो उन दोनों के रिश्ते को एक अच्छे नोट पर खत्म करना चाहती थी, लेकिन जो कुछ भी अक्षत ने उससे कहा वो एक एक शब्द उसके दिल में किसी सुई की तरह चुभ रहा था। ठीक है मैं ही गलत हूँ, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, आगे से मेरे लिए बुके लाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर दीपिका अक्षत से दूर रखी एक चेयर पर जाकर बैठ गई। तुम नाराज क्यों हो रही हो? थोड़ा टाइम लो और अपना गुस्सा थूक दो, अक्षत परेशान होकर दीपिका की तरफ देखते हुए बोला। नहीं मुझे सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ, दीपिका ये सब बोलते हुए कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसके चेहरे को गीला कर रहे थे। इससे पहले कि अक्षत कुछ कहता दीपिका ने फिर से बोलना शुरू किया।
कभी अपनी सो कॉल्ड गुड फ्रेंड आशिमा को भी अच्छी सलाह दे दिया करो। उससे कहना कि मेरे भाई को परेशान करना बंद करे। मैंने तनुजा को बोलते हुए सुना था कि आशिमा न जाने मेरे भाई को पाने के लिए क्या कुछ कर रही है। कंपनी में सभी एम्प्लॉय यही बातें कर रहे हैं। क्या उसे समझ नहीं आता कि मेरे भाई की जिंदगी में ऑलरेडी तनुजा है? जब अक्षत ने तनुजा का नाम सुना तो उसे गुस्सा आने लगा। वो तनुजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि तनुजा अरमान को रिझाकर अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रही है। अक्षत ये सब बोलने ही वाला था कि तभी उसने खुद को ऐसा बोलने से रोक लिया। वो जानता था कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है और अगर उसने ऐसा कुछ कहा तो दीपिका और नाराज हो जाएगी। मेरा ट्रांसफर हो जाए, इस बारे में हम फिर से बात करते हैं। इतना कहते हुए अक्षत वहां से चला गया। अब दीपिका को ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। धीरे धीरे अक्षत के पैरों की आहट दीपिका को सुननी बंद हो गई। दीपिका भी कभी अक्षत को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उन दोनों का रिश्ता इस तरह से खत्म होगा। लेकिन वो जितना ज्यादा अक्षत को प्यार करने लगी थी, उतनी ही ज्यादा वो आशिमा और अक्षत को एक साथ देखकर जलसी फील करती थी। उसने देखा था कि अरमान तनुजा को कैसे ट्रीट करता है और वो भी ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई उसे बहुत प्यार करे और हर एक सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन अक्षत वो इंसान बिल्कुल नहीं था। जब दीपिका ने एंगेजमेंट कैंसिल की, उसके बाद भी अक्षत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अगर दीपिका भी अक्षत की तरह कठोर दिल होती तो शायद उसे इतना हर्ट ना होना पड़ता। आने वाले कुछ दिन तनुजा सुबह कॉलेज जाती और उसके बाद डबिंग के लिए। वो काफी रात तक काम करती रहती। जब अरमान बिजी नहीं होता तो वो खुद तनुजा को लेने रिकॉर्डिंग स्टूडियो आता और उसका इंतजार भी करता। जब वो स्टूडियो आता तो वो तनुजा के लिए काफी सारा खाना भी साथ लाता। वहां मौजूद लोगों को अरमान को देखकर यही लगता था कि शायद अरमान वो खाना वहां मौजूद लोगों में बांटने के लिए लाया है। पर बाद में उन्हें पता लगा कि ये खाना तो सिर्फ और सिर्फ तनुजा के लिए ही लाया जाता था। अरमान हमेशा टिफिन लाकर तनुजा के हाथ में थमाता। वो ये नहीं चाहता था कि तनुजा अपना खाना किसी के साथ भी शेयर करे। कभी तनुजा अपना खाना किसी को देना भी चाहे तो भी अरमान उसे ये कहकर रोक देता था, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे सिर्फ तुम खाओ। वहां मौजूद बाकी वॉइस एक्टर्स ये सब देखकर काफी हैरान रह जाते थे। हमेशा की तरह आज भी अरमान अपने साथ दो बड़े बड़े टिफिन लेकर आया। ये देखकर कुणाल ने तनुजा से कहा, हमने कई बार एक साथ खाना खाया है पर मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे एपेटाइट इतनी ज्यादा होगी। जब कभी भी तनुजा ये सब सुनती उसे शर्म आने लगती थी। उसने अरमान की तरफ देखा, उसके लिए भी ये सब काफी अजीब था। उसने कुणाल से कहा, तुम ये सब खाना खा सकते हो, वो बस अरमान ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा खाना खाऊं, तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। रियली, कल तुमने सारा खाना खत्म तो कर दिया था, इसलिए आज मैं और ज्यादा लेकर आया हूँ, अरमान बोला। तनुजा इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अपना गला दबा दे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना खाना खत्म करो, तनुजा की कलीग ने झट से कहा। वैसे भी तुम सबसे ज्यादा काम कर रही हो, तुम्हें सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, अब ऐसे में तुम्हें हमसे ज्यादा तो खाना ही चाहिए। अचानक अरमान ने अपना हाथ तनुजा के कंधे पर रखा और वो बोला, लेट्स गो, तुम जाते हुए खाना खा लेना और घर पहुंचते ही सो जाना। इसके बाद वो दोनों कार में बैठे। इस वक्त सड़क पर बहुत कम गाड़ियां नजर आ रही थीं क्योंकि रात काफी हो गई थी। तनुजा ने टिफिन बॉक्सेस खोले तो उसे टिफिन में राजमा चावल और सैलड नजर आया और ये देखते ही तनुजा की आंखों में चमक सी आ गई। टिफिन में तनुजा के लिए एक चॉकलेट पेस्ट्री भी थी। बीते कुछ दिनों से अरमान रोज ऐसे ही तनुजा के लिए खाना लेकर आता था और अरमान की इन छोटी छोटी हरकतों ने तनुजा का दिल जीत लिया था। हर रोज अरमान तनुजा के लिए कुछ नया ट्राई करने को लाता जिससे तनुजा का मन खुश हो जाता। अगली बार से जब तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ तो तुम टिफिन बॉक्सेस को कार में ही छोड़ दिया करो, मेरे कलीग से आगे मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं उनके साथ खाना भी शेयर नहीं कर पाती, तनुजा ने परेशान होकर कहा। अरमान एक पल के लिए चुप रहा, फिर वो तनुजा से बोला, आखिर इसमें शर्मिंदगी कैसी, जब कभी भी मैं ऑफिस में खाना खाता हूँ तो मैं तो किसी के साथ शेयर नहीं करता, अगर उन्हें भी ये सब खाने का मन है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहकर मंगवा क्यों नहीं सकती। अब सब तुम्हारी तरह कंपनी के डायरेक्टर तो नहीं है ना,
तुम अपने कलीग्स के साथ बैठकर तो खाना नहीं खाओगे? तनुजा ने राजमा चावल को खाते हुए कहा। देखो रात काफी ज्यादा हो गई है, तुम्हें रोज रोज मुझे इतनी रात को लेने आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें जल्दी उठना होता है, ऐसे तो तुम थक जाओगे। अरमान ने उदास चेहरा बनाते हुए तनुजा की तरफ देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें पिकअप करने ही नहीं आऊंगा तो मैं ज्यादा थक जाऊंगा। अरमान की बात सुनकर तनुजा को बहुत अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी काफी फीमेल वॉइस आर्टिस्ट्स उससे जलती थीं। उनमें से किसी का बॉयफ्रेंड उन्हें पिकअप करने नहीं आता था, और अगर कोई आता भी तो कोई भी अरमान जितना हैंडसम नहीं था। तुम्हारी रोज सुबह 8 बजे से क्लासेस भी होती हैं, क्या तुम दोनों चीजें मैनेज कर पा रही हो? अरमान ने आगे कहा, वैसे तुम्हें रोज क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे भी तुम काफी अच्छी वॉइस आर्टिस्ट हो, तो तुम इसे अपने फुल टाइम करियर की तरह शुरू भी कर सकती हो। वैसे शिवानी भी तो आजकल काफी छुट्टियां लेने लगी है ना? हम दोनों अलग हैं, वो आज यहाँ है तो कल कहीं और, पर मेरी नौकरी तो इसी शहर में है ना। जब तक ज्यादा जरूरत नहीं होगी तब तक मैं कोई क्लास मिस नहीं करूंगी। वैसे भी क्लासेस से हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है ना। तनुजा ने एक सिप जूस पिया, फिर वो बोली, वैसे भी आजकल हमें एक्टिंग सिखा रहे हैं। मैं एक्टर तो नहीं बनना चाहती, पर कुछ एक्टिंग स्किल्स मेरी वॉइस आर्टिस्ट की प्रोफाइल में जरूर काम आएंगी। अरमान ये सब सुनकर परेशान हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे ज्यादा नॉलेजेबल हो। तनुजा को इतनी शिद्दत से काम करता और अपने करियर को लेकर इतना पैशनेट होते देख अरमान को अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा बुरा भी। तुम कब तक ऐसे ही बिजी रहोगी? अरमान ने पूछा। कुछ ही दिनों की तो बात है, तनुजा ने कहा। अगले महीने की 3 तारीख को क्या हम छुट्टी ले सकते हैं? अरमान ने पूछा। उस दिन मेरी दादी माँ का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लेकर जाऊँ। अरमान की बात सुनकर तनुजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। अरमान के डैड तनुजा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए तनुजा को अरमान की फैमिली से मिलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता था। मैं तुम्हें न्यू ईयर पर ही घर ले जाने वाला था, पर हमारा झगड़ा हो गया, अरमान ने ड्राइव करते हुए आगे कहा। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी फैमिली मेंबर से तो मिलना ही है। तुम फिक्र मत करो, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे डैड की तरह नहीं है। तनुजा कुछ सोचने लगी और फिर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अगर हम शादी करते भी हैं तो भी हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती और मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। हम शादी अगले साल या उसके अगले साल ही कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी फैमिली से इतनी जल्दी मिलूं। वैसे भी अभी तुम्हारे डैड तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं। मुझे लगता है कि हमारे लिए 2 साल का इंतजार करना बेहतर होगा। मैं तुम्हारी फैमिली को तब मिलना चाहती हूँ जब मेरे डैड बेकसूर साबित हो जाएं, ताकि मुझे तुम्हारी फैमिली को फेस करने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। वैसे तुमने ही तो कहा था ना कि मेरे डैड के असली गुनहगारों को ढूंढने में हमें बहुत से बहुत 6 महीने का वक्त लगेगा। एपिसोड 283, ऑकवर्ड मोमेंट। तनुजा की बातें सुनने के बाद अरमान गहरी सोच में पड़ गया। अचानक तनुजा ने आगे बोलना शुरू किया। लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल में मिली थी तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़कर वहां से चली जाऊं। अगर हम दोनों इस वक्त शादी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो खुश होंगे। तुम ठीक कह रही हो, अरमान ने कुछ सोचते हुए कहा। अरमान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि तनुजा के साथ कोई भी गलत तरीके से बिहेव करे, क्योंकि अरमान ये जानता था कि ऐसा वक्त जरूर आएगा जहां तनुजा को उसकी फैमिली को फेस करना ही पड़ेगा। अगर एक बार तनुजा के डैड बेकसूर साबित हो गए तो अरमान के डैड को भी उनकी शादी से कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दादी माँ को क्या गिफ्ट दूं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तनुजा ने मुस्कुराकर अरमान का हाथ पकड़ा और वो बोली, नो प्रॉब्लम। आज रात अरमान तनुजा के अपार्टमेंट में ही रुकने वाला था। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में पहुंचे तो तनुजा ने अरमान को हग कर लिया। तनुजा के दोनों हाथ अरमान के कंधों पर थे। अरमान वहीं जम सा गया और तनुजा की आंखों में देखने लगा। अचानक अरमान के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो हैरान होते हुए बोला, क्या तुम इतनी रात को मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो? काफी दिनों से तनुजा और अरमान को एक साथ वक्त ही नहीं मिल रहा था। तनुजा अक्सर लेट ही घर आ रही थी और अरमान तनुजा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो भी घर आकर शावर लेकर जल्दी सो जाया करता था। तनुजा ने मुस्कुराकर शर्माते हुए एक धीमी सी आवाज में अरमान से कहा,
आजकल तुम मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो। क्या करूं, तभी मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। ऐसा बहुत कम होता था जब तनुजा खुद ऐसा कुछ अपने मुंह से बोले। जब अरमान ने तनुजा की ये सब बातें सुनी तो उसे अपने शरीर में गर्माहट सी महसूस होने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, यहाँ तक कि उसे आसपास की हवा भी गर्म महसूस होने लगी थी। अरमान तनुजा को छोड़ते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है। इससे पहले कि अरमान आगे कुछ कहता, तनुजा ने शर्माते हुए अरमान को खुद से दूर धकेल दिया। तब तक लिफ्ट का दरवाजा भी खुल गया। जैसे ही वो दोनों हॉल में पहुंचे तो अरमान ने तनुजा को अपनी बाहों में भर लिया। उसके होंठ तनुजा के कान के बहुत नजदीक थे। तनुजा अरमान की गर्म सांसें तक महसूस कर पा रही थी। तनुजा खुद को अरमान की बाहों में कमजोर सा महसूस करने लगी थी। तभी अचानक अरमान ने तनुजा को किसेस करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने शूज उतारे और रूम लॉक कर लिया। इस समय वो दोनों हॉल में ही थे। शिवानी आज वहां मौजूद ही नहीं थी, पर फिर भी तनुजा को मानो अजीब सा डर लगे जा रहा था। तनुजा अब जाकर भी अरमान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे शर्म आने लगी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। वो चुपचाप ऐसे ही अपनी नजरें झुकाए खड़ी रही। अरमान ऐसे ही संजीदगी से तनुजा को चूमता रहा। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर अरमान ने तनुजा को गोद में उठाया और उसे बेडरूम में लेकर गया। कुछ देर बाद जब वो होश में आए तो तनुजा बहुत थक चुकी थी। उसके बाद उन दोनों ने शावर लिया। अब रात का एक बज चुका था। उन दोनों के कपड़े और शूज बाहर हॉल में ही पड़े थे। तनुजा को जैसे ही याद आया वो बोली, अरमान जाओ जाकर बाहर से कपड़े उठा लाओ। अब अरमान को काफी नींद आने लगी थी। वो नींद में बोला, कोई बात नहीं, हम कल सुबह उठा लेंगे। वैसे भी शिवानी कौन सा घर पर है। नहीं, तुम अभी के अभी जाओ, तनुजा ने अरमान को फोर्स किया। क्या पता शिवानी कल ही सुबह वापस आ जाए। अगर उसने वहां हमारे कपड़े पड़े हुए देखे तो मैं उससे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। अब अरमान के पास तनुजा की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने अपनी आंखें मसलते हुए रूम का दरवाजा खोला तो उसने पाया कि बाथरूम की लाइट ऑन है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि शिवानी बाथरूम से बाहर आ रही है। अरमान को देखते ही शिवानी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। वो हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं अभी सोकर उठी थी, मुझे बाथरूम यूज करना था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ और ही चल रहा है। इतना कहते ही शिवानी झट से अपने रूम में चली गई। अब अरमान भी चुप पड़ गया। कुछ देर वो ऐसे ही खड़ा रहा। फिर उसने वहां पड़े तनुजा और अपने कपड़े उठाए और फिर वो तनुजा के रूम में गया। जब तक वो रूम में पहुंचा तब तक तनुजा की आंख लग चुकी थी। कुछ ही देर में अरमान भी सो गया। अगले दिन फोन का अलार्म सुनकर दोनों की नींद खुली। तनुजा की क्लास शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी था, इसलिए तनुजा रेडी होने के लिए जल्दी से बेड से उठी। तभी अचानक अरमान ने उससे कहा, वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हारी फ्रेंड शिवानी कल रात घर पर ही थी। अरमान की बात सुनते ही तनुजा मानो वहां जम सी गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद उसने अपनी पलकें झपकाई और वो सोचने लगी कि शायद वो कोई सपना देख रही है। वो मन ही मन बड़बड़ाई, तनुजा तू अभी भी नींद में है, तुमने मुझे कपड़े उठाने के लिए बाहर भेजा था, तब मैंने शिवानी को देखा, अरमान ने आगे कहा। अब तनुजा के पास बोलने को एक शब्द भी नहीं था। वो सोच रही थी कि वो इतनी लंबी और गहरी नींद सो जाए कि उसे शिवानी को फेस ही ना करना पड़े। अरमान और तनुजा को तो यही लगा था कि शिवानी घर पर नहीं है। हॉल और शिवानी के रूम में ज्यादा फासला नहीं था। ये सब सोचकर ही तनुजा पानी पानी हो गई थी। अब वो बहुत परेशान नजर आने लगी थी, इसलिए अरमान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान मत हो, क्या पता वो गहरी नींद में हो और उसने हम पर ध्यान ही ना दिया हो, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तनुजा अरमान का हाथ झटकते हुए बोली, अरमान अब मैं शिवानी को फेस कैसे करूंगी, वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। कल रात तनुजा और अरमान एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि उन्होंने आसपास ध्यान ही नहीं दिया। कल रात तनुजा ने हॉल में अरमान से न जाने क्या कुछ कहा होगा। अब उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी आवाज शिवानी ने न सुन ली हो। तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, क्या शिवानी का बॉयफ्रेंड नहीं है, अरमान ने एक शांत सी आवाज में कहा। तनुजा ने एक कपड़े से अपना चेहरा कवर किया और वो सोचने लगी कि वो करे तो क्या करे।
तनुजा के मन में अब अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। एक तो उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था और वहीं वो अपने बेडरूम से बाहर जाने की और शिवानी को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुछ देर बाद उसे पता लगा कि शिवानी उन दोनों के उठने से पहले ही कॉलेज जा चुकी है। तब जाकर तनुजा की जान में जान आई। उसने बेडरूम से बाहर जाने की हिम्मत की। शिवानी तनुजा की रूममेट तो थी ही, साथ ही साथ वो उसकी काफी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। हालांकि वो कभी भी तनुजा को बिना बताए कॉलेज नहीं जाती थी, पर आज शायद उसे समझ आ गया होगा कि अगर वो तनुजा को आवाज देगी तो उसे और शर्मिंदगी महसूस होगी। कुछ देर बाद तनुजा भी कॉलेज के लिए निकल गई। जब लंच टाइम हुआ तो तनुजा भागती हुई शिवानी के पास गई और बोली, शिवानी रुको, आज तुम अकेले लंच करने वाली हो क्या? तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। तनुजा ने खुद ही एक अजीब सी टोन में बोलते हुए बात शुरू की। हालांकि वो ये सब बोलते हुए शिवानी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। शिवानी अपना टिफिन बॉक्स उठाए हुए एक अजीब सी आवाज में बोली, वो मुझे लगा कि तुम रिकॉर्डिंग स्टूडियो चली गई होगी। कोई बात नहीं, चलो एक साथ लंच करते हैं, तनुजा ने कहा। इसके बाद वो दोनों बैठकर लंच करने लगी। तनुजा पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर उसने हिम्मत करके शिवानी से पूछा, शिवानी वो क्या कल रात तुम घर पर ही थी? इतना कहते ही तनुजा ने अपनी नजरें झुका ली। एपिसोड 284, बर्थडे पार्टी। तनुजा की बात सुनकर शिवानी के गले में मानो खाना अटक गया। वो खांसते हुए बोली, वो कल रात मैं आने वाली तो नहीं थी, पर मैं 9 बजे फ्री हो गई, इसलिए मुझे फ्लाइट लेनी पड़ी। फिर तनुजा कुछ कैलकुलेशंस करने लगी और उसे शक हुआ कि शिवानी उसके और अरमान के आने से कुछ देर पहले ही घर पहुंची होगी और उसने सब कुछ सुन लिया होगा। ये सोचते ही तनुजा अपना चेहरा छुपाते हुए चुपचाप लंच करने में बिजी हो गई। शिवानी जानती थी कि उन दोनों के बीच खामोशी छाई हुई है। वहां का माहौल काफी अजीब सा हो गया था, इसलिए वो चुप्पी तोड़ते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, कल रात मैं गहरी नींद में थी, मैं तो आते ही सो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। जब शिवानी ने ये सब कहा तो तनुजा का चेहरा और लाल पड़ गया। वो सोच रही थी कि अगर शिवानी ने कुछ भी नहीं सुना तो वो ये सब क्यों कह रही है। वो शर्माते हुए बोली, आई एम सॉरी शिवानी, मैं आगे से अरमान को अपने साथ वहां नहीं लाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, बल्कि मेरी ही गलती है, मुझे घर आने से पहले तुम्हें मैसेज करना चाहिए था, शिवानी ने हंसते हुए कहा। अब किसको पता था कि रात इतनी लेट घर पहुंचने के बाद भी तुम दोनों में इतनी एनर्जी बची होगी कि तुम दोनों सच में काफी पैशनेट हो। शिवानी की ये सब बातें सुनकर तनुजा नजरें उठाकर भी उसे नहीं देख पा रही थी। फिर तनुजा हिम्मत करते हुए बोली, ठीक है, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हालांकि शिवानी भी ये बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर वो अपने आप को ये बोलने से रोक नहीं पाई। कल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे, आगे से थोड़ा ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा कॉलेज खत्म नहीं हो जाता तुम दोनों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तनुजा ये अच्छी तरह समझ पा रही थी कि आखिर शिवानी कहना क्या चाहती है। अब तनुजा को ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने अपनी इज्जत खो दी हो। पर तुमने तो कहा तुमने कुछ सुना नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता कि कल हम दोनों बहुत जल्दी में थे? वो तो मैंने सिर्फ यूं ही गेस किया, शिवानी ने जल्दी जल्दी अपना लंच फिनिश करते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, तनुजा नजरें चुराते हुए शिवानी से बोली। वैसे जो तुमने न्यू सॉन्ग रिलीज किया वो सच में बहुत अच्छा है, मैंने सुना है वो टॉप 10 में है। तनुजा टॉपिक चेंज करते हुए बोली, हाँ वो उन्हें काफी अच्छा कंपोजर जो मिल गया था। शिवानी अपने गाने की तारीफ सुनकर काफी खुश थी। ये सभी रिसोर्सेस मानसी की थी, मैंने तो बस सही मौके का फायदा उठा लिया, वैसे ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो पाया है। वैसे मानसी आजकल क्या कर रही है? तनुजा ने अचानक पूछा। मुझे ये लगा था कि वो कुछ ही दिनों में लौट आएगी और मेरे लिए कोई नई परेशानी खड़ी करेगी, पर काफी टाइम हो गया, मैंने उसके बारे में कुछ सुना भी नहीं, तनुजा बोली। क्या तुम्हें लगता है कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें आकर दोबारा परेशान करे? शिवानी ने पूछा। मैंने अपने बॉस को बात करते हुए सुना था कि उसकी फैमिली को बहुत कम सैलरी मिल रही है, कोई उनके साथ काम भी नहीं करना चाहता। जब मानसी न्यू ईयर पर वापस आई थी तो निधि उसकी मदद करना चाहती थी, निधि के अलावा कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करे,
तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे लिए और कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगी। अगर अब उन्होंने कुछ भी किया ना, तो उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तनुजा ये सब सुनकर हैरान थी। अरमान ने तनुजा को ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। अगले महीने की 2 तारीख को तनुजा ने अरमान की दादी माँ के लिए एक शॉल खरीदी और आज उसने काम से 2 घंटे पहले ही छुट्टी ले ली थी। अगले दिन अरमान की दादी माँ का बर्थडे था और तनुजा 5 बजे तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही थी। तभी तनुजा की कलीग उसके पास आई और वो टिफिन बॉक्स को टेबल पर रखते हुए बोली, आओ पहले कुछ खा लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद ही काम शुरू करेंगे। तनुजा आकर वहाँ राउंड टेबल के पास बैठ गई। अब वो सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी बातें करते करते वो लोग एक्टर और एक्ट्रेसेस की खराब एक्टिंग के बारे में बातें करने लगे। इनमें से कुछ को तो बिल्कुल भी एक्टिंग करनी नहीं आती, पर फिर भी वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, उनमें से एक वॉइस आर्टिस्ट ने बेरुखी सी आवाज में कहा। वैसे हम कितनी मेहनत करते हैं ना, और फिर भी हमें कितनी कम सैलरी मिलती है। हमें थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए भी इतनी देर रात तक काम करना पड़ता है। तनुजा चुपचाप उन सब की बातें सुन रही थी। तनुजा बीच बीच में उनकी बातें सुनकर अपना सिर हाँ में हिला रही थी। आकांक्षा जो कि सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर की वॉइस आर्टिस्ट थी, वो अचानक से बोली, वैसे सच कहूँ तो हम सब तो ठीक ठाक ही दिखते हैं, पर तनुजा तुम तो काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो और खूबसूरत भी हो, तो तुम आखिर पर्दे के पीछे काम क्यों करना चाहती हो? तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है? हाँ मेरा भी यही मानना है, और अब तुम खुद ही देख लो, वो आयशा बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, पर फिर भी वो कितनी फेमस है ना, नीतिबा बोली। वैसे उस आयशा के तो क्या ही कहने, उसके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ अमित की वजह से है। क्या अमित के साथ रिलेशनशिप में होना उसके लिए फायदे का सौदा नहीं रहा? उसने अमित को यूज किया और अब उसकी हालत देख लो। हालांकि अमित की कंपनी में भी अब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर फिर भी उसकी हालत आयशा से तो बेहतर ही है। अमित के साथ रिलेशनशिप में होना किसी को चाहे कितना भी रिच बना दे, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चकाचौंध सिर्फ कुछ पल की ही होती है। उसके साथ साथ जब तुम फेमस होते हो तो काफी परेशानियां भी आती हैं। अभी मैं उन सब परेशानियों से दूर हूँ, तनुजा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, हमारी जिंदगी काफी अच्छी है। तुम सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड अरमान पर ध्यान दो, वैसे भी तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हाथ पैर मारने की जरूरत ही क्या है, नितिभा ने कहा। फिर नितिभा आगे बोली, वैसे भी ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसे से चलती है। अब आयशा का एग्जाम्पल ले लो, उसे एक लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन अब उसके पास कोई काम नहीं है, ना चाहकर भी वो मिस्टर मित्तल के साथ रह रही है। हाँ हम ये जानते हैं, कुणाल ने कहा। लास्ट टाइम मिस्टर सिंघानिया और मैंने आयशा को मिस्टर मित्तल के साथ देखा था। वैसे कुछ ऐसा भी है जो तुम अभी नहीं जानते हो, और ये न्यूज सुनते ही तुम हैरान रह जाओगे, नितिभा कुछ सोचते हुए बोली। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोलते हुए सुना था, वो जर्नलिस्ट है, कि लास्ट वीक आयशा को रात को हॉस्पिटल ले जाया गया। मैंने सुना है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उसे स्टिचेस लगे। मिस्टर मित्तल और उनकी फैमिली ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सीक्रेट सीक्रेट ही रखा है। जब तनुजा ने ये सब सुना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ देर पहले वो खाना खाने में बिजी थी, तो वहीं अब उसके गले से खाना नीचे नहीं उतर रहा था। अब ये सब सुनकर तनुजा का दिमाग खराब हो चुका था। कुणाल हैरान होते हुए बोला, आखिर आयशा को पैसों की इतनी भी क्या जरूरत है जो वो ये सब बर्दाश्त कर रही है? आखिर वो खुद को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है? ये तो हमें भी नहीं समझ आ रहा, अगर उसे ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो वो ये इंडस्ट्री छोड़ भी तो सकती है। मुझे तो लगता है कि वो चक्काचौंध वाली जिंदगी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए अब उसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है, वो मिस्टर मित्तल का सहारा लेकर आगे बढ़ रही है, नितिभा ने कहा। उसने एक आह भरी, फिर वो बोली, वैसे भी मिस्टर मित्तल के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, और वो फेमस भी है। मैंने सुना है मिस्टर मित्तल और उनकी वाइफ का रिश्ता तो सिर्फ नाम का ही है। अचानक कुणाल ने अपना हाथ हिलाया और वो बोला, स्टॉप इट गाइस, हमें इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ का माहौल बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। डिनर करने के बाद तनुजा ने अरमान को फोन किया, लेकिन अरमान ने उसका फोन नहीं उठाया। आज अरमान की दादी माँ का बर्थडे था, तो तनुजा को लगा कि अरमान गेस्ट का स्वागत करने में बिजी होगा। आज अरमान की दादी 80 साल की हो गई थी और आज बहुत से लोग डिनर पार्टी पर आने वाले थे। व्यू पार्क रेस्टोरेंट में अरमान और उसका कजिन मेहमानों का एंट्रेंस पर खड़े होकर स्वागत कर रहे थे। दादी माँ के 3 बेटे थे, उन्होंने पहले तो एक छोटा सा फैमिली फंक्शन रखने की प्लानिंग की थी,
लेकिन दादी माँ के बर्थडे की खबर सब जगह फैल गई और वहाँ बिना बुलाए भी मेहमान पहुँच गए। अरमान इस वक्त गेस्ट्स के लिए सीट्स अरेंज करने में बिजी था कि तभी उसने अभिषेक अंकल, जो कि पुलिस कॉप से बिलोंग करते हैं, उन्हें आशिमा के साथ आते हुए देखा। अरमान, तुम तो दिन पर दिन और हैंडसम होते जा रहे हो, अभिषेक अंकल हंसते हुए बोले। आशिमा हमारी न्यू इंस्ट्रक्टर है। आशिमा और अंकल जी, आप प्लीज बैठिए। अरमान ना चाहकर भी आशिमा की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, डैड बस आते ही होंगे। मैं पहले जाकर दादी माँ से मिलकर आता हूँ, अभिषेक अंकल आशिमा के साथ वहाँ से जाते हुए बोले। आशिमा को वहाँ से जाते देख अरमान ने एक लंबी सांस ली। अचानक अरमान के कजिन ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा क्यों चेहरा उतर गया? अरे, एक ही फील्ड में होकर तुम्हें आशिमा को फेस तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें उसकी शक्ल न दिखनी पड़े, कभी ना कभी एक दूसरे से सामना तो करना ही पड़ता है, अरमान अपना सिर हिलाते हुए बोला। तुम ठीक कह रहे हो, वैसे मैं ये काम तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अंदर जाकर अरेंजमेंट देख लेता हूँ, उसके कजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम जाओ। लगभग 6 बजे के टाइम अरमान वहाँ बैठे सभी गेस्ट को देख रहा था, तभी अचानक वो हैरान रह गया। आखिर उसने किसको देख लिया था? ये कोई और नहीं, आयशा थी। एपिसोड 285, आयशा की चाल। आखिर आशुतोष मित्तल आयशा को यहाँ क्यों लेकर आया है? अरमान ने अपने कजिन के हाथ को जोर से पकड़ते हुए गुस्से से आयशा की तरफ देखते हुए कहा। अरमान के कजिन ने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ आयशा बैठी थी, फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि आशुतोष जहाँ भी जाता है आयशा को अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो शो ऑफ कर सके। ये आयशा कुछ सालों पहले काफी फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है और अब वो इस आशुतोष के साथ है। वैसे इसका बिहेवियर आयशा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये उससे गाली गलौज तक करता ही है और साथ ही साथ वो उस पर हाथ तक उठा देता है। इस आशुतोष की वाइफ का क्या हुआ? आखिर उसने इस आशुतोष को आयशा के साथ मेरी दादी माँ के बर्थडे पार्टी पर कैसे आने दिया? ये कैसा मजाक चल रहा है? अरमान को काफी गुस्सा आने लगा था। इनकी शादी सिर्फ नाम की शादी है, इन्होंने अभी तक डिवोर्स नहीं लिया है। काफी साल हो गए हैं ये दोनों एक साथ नहीं रहते। मैंने सुना है कि आशुतोष शराब पीकर अपनी वाइफ को मारता पीटता था, इसलिए वो इसे छोड़कर चली गई। मैंने सब मेरे डैड से सुना था, उसके कजिन ने जवाब दिया। तुम चाहते थे कि ये अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए? सॉरी, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब अरमान को आशुतोष से घिन आने लगी थी। जैसे ही पार्टी स्टार्ट हुई तो बहुत से गेस्ट दादी माँ से मिलने आने लगे। दादी माँ को इस वक्त वॉशरूम जाना था, इसलिए मेड उन्हें अपने साथ वॉशरूम लेकर गई। अरमान अपने कुछ पुराने कंपनी के एम्प्लॉय से बात कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक तेज सी आवाज गूंजी, खून खून। वहां मौजूद सभी लोग तेज चीख सुनकर डर गए। पूरी गोयल फैमिली परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो सब ये आवाज पहचानते जो थे। ये किसी और की नहीं बल्कि उनकी मेड की आवाज थी। अचानक दीपिका काफी डर गई और वो चिल्लाते हुए बोली, आंटी दादी माँ को लेकर वॉशरूम गई थी। ये सुनते ही अरमान सामने पड़ी चेयर को धकेलते हुए हड़बड़ा कर वहां से भागा। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी मेड के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अरमान को देखकर उस मेड के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद जागी। उसने तुरंत अरमान का हाथ पकड़ते हुए कहा, यहाँ वॉशरूम में एक पागल लड़की है, उसके हाथ में एक चाकू है, उसने जरूर किसी न किसी को चोट पहुंचाई है, दादी माँ भी अंदर ही है। तुम दादी माँ को अंदर कैसे छोड़ सकती हो? अरमान ने उस मेड को गुस्से से पीछे हटाया और वो बाथरूम में घुस गया। अरमान अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि दादी माँ जमीन पर पड़ी थीं और चारों तरफ खून था। वहीं आशिमा सिंक के बगल में अपना पेट पकड़कर खड़ी थी, वो बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। आशिमा के पेट पर एक बहुत बड़ा घाव था जहाँ से लगातार खून बह रहा था। उसके हाथ पर भी चाकू लगने के निशान थे। वहां मौजूद एक लाल रंग के सूट में एक लड़की थी जो कि अभी भी दादी माँ को चाकू दिखाकर डरा रही थी। आशिमा ने उस लड़की को हटाने की पूरी कोशिश की पर वो नाकामयाब रही। कुछ देर में उस लड़की ने आशिमा को ही नुकसान पहुंचा दिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयशा थी। जैसे ही अरमान ने आयशा का चेहरा देखा वो उसे पहचान गया। वो भागता हुआ अंदर पहुंचा और उसने आयशा को रोकने की कोशिश की। उसने आयशा का हाथ पकड़ा, मुझे जाने दो, मैं सबको मार दूंगी,
मेरी ये हालत तुम लोगों की वजह से ही है। आखिर तनुजा को दुनिया की सभी खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं? आज मेरी जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो तनुजा ही है। मैं उसकी जिंदगी खराब कर दूंगी, मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगी, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। आज मैं अरमान की फैमिली में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आयशा चिल्लाते हुए बोली। अरमान ने आयशा को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दीपिका और दर्शन भी वहां पहुंच चुके थे। आशिमा, ये क्या हुआ तुम्हें? दीपिका हैरान थी। इतना कहकर दीपिका आशिमा की मदद करने भागी। आशिमा ने दीपिका को देखते ही उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, पर कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। अगर आज आशिमा ने मेरी जान ना बचाई होती तो शायद मैं जिंदा ना होती, दादी माँ ने एक कमजोर सी आवाज में कहा। अरमान ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसने सारा मामला पुलिस को भी बताया। वहाँ पार्टी में कुछ डॉक्टर्स मौजूद थे जिन्होंने तुरंत आशिमा की ब्लीडिंग रोकने में मदद की। जब एम्बुलेंस पहुंची तो दादी माँ और आशिमा को हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि दादी माँ को छोटी मोटी खरोंच ही आई थी, उनके पैर में मोच आ गई थी जिस वजह से वो गिर पड़ी थी, पर वहीं आशिमा की हालत बहुत खराब थी। अरमान ने उस मेड पर गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर तुम दादी माँ को अंदर कैसे छोड़ सकती हो? तुम अपनी जान बचाने के लिए खुद बाहर भाग आई। वो मेड बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसके पैर लगातार कांप रहे थे। तभी वो बड़बड़ाई, मैं बहुत डर गई थी, वो लड़की सच में पागल है, उसने आशिमा के पेट में चाकू घोंप दिया, उसने दादी माँ पर भी हमला करने की कोशिश की, पर मैंने उसे दूर धकेला, फिर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए मैं डर कर बाहर आ गई। ठीक है, सबके सब शांत हो जाओ, अरमान ने मेड से पूछा। आंटी, क्या आप मुझे साफ साफ कुछ बता सकती हो? जितना मुझे बताया आयशा को मार्शल आर्ट्स नहीं आता, वहीं आशिमा एक सोल्जर है, आखिर वो इतनी आसानी से घायल कैसे हो गई? उस मेड ने पानी का एक घूंट पिया और फिर वो कांपते हुए बोली, मैं दादी माँ को वॉशरूम लेकर गई थी, जब हम वापस आ रहे थे तो हम आशिमा से टकराए, दादी माँ ने कुछ देर आशिमा से बात की, तभी अचानक आयशा वहाँ पहुँच गई। उस वक्त आयशा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे, पर वो हमारी मेहमान थी इसलिए हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक उसने अपना हाथ दादी माँ की गर्दन की तरफ बढ़ाया और वो बोली कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि तनुजा ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है और वो अब उससे बदला लेकर रहेगी। वो बार बार यही कह रही थी कि वो गोयल फैमिली के एक भी मेंबर को नहीं छोड़ेगी। आशिमा ने उस औरत को शांत करने की कोशिश की, पर सिचुएशन हाथ से निकलती ही जा रही थी, जिस वजह से उसने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन वो लड़की इतनी पागल थी कि उसने अपने पर्स से चाकू निकाला और वो आशिमा के पेट में मार दिया। ये सब देखकर दादी माँ पूरी तरह डर चुकी थी। हमने वहाँ से भागना चाहा पर आयशा ने हम पर भी अटैक करा। वो तो अच्छा हुआ कि आशिमा ने अपनी जान पर खेलकर उसे रोक लिया और हमें भागने का मौका मिल गया। तनुजा, अच्छा ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है, दर्शन गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला। इतना कहकर उसने अरमान की बाजू को कसकर पकड़ा और बेरुखी से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं थे। अब भुगतो, तुम्हारी दादी माँ के बर्थडे पर ये सब हो रहा है। आशिमा नहीं होती तो शायद मेरी माँ जिंदा ही नहीं होती। अब अरमान चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था। तभी दीपिका आगे आई और बोली, अगर आपको किसी को दोषी ठहराना ही है तो उसे ठहराओ जो पागल लड़की को यहाँ लेकर आया था। हम तो उसे जानते तक नहीं है, आशुतोष अंकल ही उसे अपने साथ यहाँ लेकर आए थे। दीपिका, आखिर मुझे कैसे पता होगा कि आयशा को तनुजा पसंद नहीं है, आशुतोष ने बात समझाते हुए कहा। अब मुझे समझ आया, वो आज रात मेरे साथ यहाँ आने के लिए मौके ढूंढ रही थी। मुझे लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो तनुजा से बदला लेना चाहती थी। मिस्टर गोयल की गर्लफ्रेंड उसकी दुश्मन है, वो तनुजा की सभी खुशियाँ छीनना चाहती है। आज भी मेरा यहाँ उसे लाने का कोई इरादा नहीं था, पर उसने मुझसे खुद यहाँ आने की जिद की। फिर कुछ देर आशुतोष चुप रहा और उसने अरमान की तरफ देखा, फिर कहा, मिस्टर गोयल, अगली बार आप कोई भी नई गर्लफ्रेंड बनाओ तो सोच समझ कर बनाना, आज आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अरमान को आशुतोष की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे अब आशुतोष की बातें बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और फिर आशुतोष को कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? तुम खुद तो औरतों की इज्जत करते नहीं हो और मुझे ये सब कह रहे हो? मैंने उस दिन अपनी आंखों से खुद देखा था कि तुम किस तरह आयशा पर हाथ उठा रहे थे। क्या पता उसने ये सब इसलिए किया हो क्योंकि तुम उसे इतना टॉर्चर करते हो।
इतना कहते ही अरमान ने आशुतोष के थप्पड़ लगा दिया और आशुतोष दीवार का सहारा लेकर जा खड़ा हुआ। उसने अपना चेहरा छुपा लिया था और वो दर्द से कराहता हुआ बोला, जो कुछ तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आयशा को मुझसे कोई प्रॉब्लम होती तो वो आज यहाँ आकर तुम्हारी फैमिली के साथ ये सब करने का ना सोचती। अरमान के चाचा जी पीछे से बोले, अरमान हमने खुद उस आयशा के मुंह से तनुजा का नाम सुना है। अरमान की आंखें जो कि कुछ देर पहले चमक रही थीं, उनमें अब एक अलग सी मायूसी थी। उसका दिल गुस्से और नफरत से सहम रहा था। ये पुलिस का काम है, पुलिस से पता लगाकर ही रहेगी कि आयशा के ऐसा करने के पीछे असली वजह क्या थी, अरमान ने कहा। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी है आशिमा की जान बचाना, दीपिका ने तुरंत टॉपिक चेंज किया और वो बोली, मैंने आशिमा के डैड को इन्फॉर्म कर दिया है। ये सुनते ही दर्शन एक पल के लिए चुप रहा और फिर वो बोला, न जाने आशिमा के डैड हमारे बारे में क्या ही सोचेंगे। एपिसोड 286 इन्वेस्टिगेशन। अचानक दादाजी ने दर्शन की तरफ देखते हुए कहा, उसका तुमसे नफरत करना बनता है, पहले तुमने उनका घर तोड़ दिया और अब तुम्हारे बेटे की वजह से आशिमा की ये हालत है। भगवान से दुआ करो कि आशिमा सही सलामत घर लौट आए, वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दर्शन के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। तभी अरमान की चाची बोली, आशिमा और अरमान का काफी समय पहले ब्रेकअप हो गया था, पर फिर भी आज वो दादी माँ को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई। मुझे नहीं लगता कि दादी माँ आज जिंदा होती अगर आशिमा ने सही वक्त पर उस आयशा को ना रोका होता। अरमान चुपचाप खड़ा ये सब सुनता रहा। उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। इसके बाद वहां खामोशी छा गई। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि आशिमा के डैड के पैरों की आहट थी। आशिमा के डैड के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, आशिमा अब कैसी है? तभी अरमान उठा और वो बोला, अभी आशिमा बेहोश है। आशिमा के डैड ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, वो कितने टाइम से बेहोश पड़ी है? उसे बेहोश हुए लगभग एक घंटा हो गया है। उसके पेट में गहरा घाव है, बाकी मुझे नहीं पता, अरमान ने एक धीमी सी आवाज में कहा। आशिमा के डैड कुछ देर शांत रहे और फिर वो दर्शन के सामने आकर खड़े हो गए। दर्शन, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी की ये हालत होगी। वो मेरी इकलौती बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। आशिमा के डैड ने दर्शन का कॉलर पकड़ लिया था। तभी अरमान के चाचा जी आगे आए और उन दोनों को छुड़वाया। आप फिक्र मत करिए, आशिमा को हम कुछ नहीं होने देंगे। हम वैसे भी हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पर सीन क्रिएट करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर अपने काम में लगे हुए हैं, आशिमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आशिमा के डैड का गुस्सा काबू में नहीं था। वो गुस्से से आग बबूला हुए जा रहे थे। ये सब सुनने के बाद वो साइड में रखे टेबल पर बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। कुछ देर बाद आशिमा की माँ भी वहां पहुंच गई। वो भी वहां चेयर पर बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। इस वक्त वहां का माहौल बहुत गंभीर था। लगभग एक घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? आशिमा की माँ अपनी आंखों में आंसू भरे हुए डॉक्टर के पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोली, हमने उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया है, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी आपको उसका अच्छी तरह ख्याल रखना पड़ेगा। अगले 3 दिन तक हमें उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा ताकि हम देख पाएं कि वो रिकवर कर रही है या नहीं, डॉक्टर ने कहा। ये सब सुनने के बाद सबने एक राहत की सांस ली। उसे काफी चोट आई थी, बाकी सब तो छोटे मोटे घाव हैं, पर उसका एक घाव ऐसा है जो उसके यूट्रस के पास है, जिससे उसे फ्यूचर में माँ बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर ने एक उदासी आवाज में कहा। ये सुनकर सबका चेहरा उतर गया। सबके चेहरों पर मायूसी देखी जा सकती थी। सब जानते थे कि एक लड़की के लिए माँ बनने का एहसास कैसा होता है और आशिमा की अभी उम्र ही क्या थी। जब उसे ये सब पता लगेगा तो आखिर उसका क्या हाल होगा? उस वक्त सबके मन में बस यही सवाल थे। सबको आशिमा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या कोई दूसरा चारा नहीं है डॉक्टर, जिससे आशिमा ठीक हो जाए? आशिमा की माँ ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, अभी उसकी हालत बहुत खराब है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर ने जवाब दिया। दर्शन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आशिमा के डैड गुस्से से कांप रहे थे। वो लंबे लंबे कदम लेते हुए दर्शन तक पहुंचे
और उन्होंने फिर से उसका कॉलर पकड़ कर कहा, आखिर मेरी बेटी की तुमसे क्या दुश्मनी थी? मेरी बेटी को क्या पता था कि इस पार्टी में आने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मेरी बेटी की जो भी हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आशिमा के डैड का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इस वक्त उन्हें रोक पाए। प्लीज तुम शांत हो जाओ, दर्शन ने कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, आशिमा के डैड ने उसे जमीन पर धकेल दिया। सब के सब उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आशिमा के डैड पागल हो चुके थे। वो लगातार चीख चिल्ला रहे थे। बहुत हुआ, दादी माँ चिल्लाते हुए बोले। दादी माँ की बात सुनकर आशिमा के डैड शांत हुए और वो एक साइड बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगे। तुम फिक्र मत करो, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे, दादाजी ने एक शांत सी आवाज में कहा। मैं वादा करता हूँ कि अरमान की शादी आशिमा से होगी, हम आशिमा की जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, अरमान ने परेशान होते हुए कहा। मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तुम उस लड़की का नाम भी मेरे आगे मत लेना, दर्शन ने कहा। दर्शन पहले ही बहुत गुस्से में था। जो कुछ भी हो रहा है वो उस लड़की की वजह से हो रहा है। आज आशिमा की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, तुम्हें आशिमा से शादी करनी होगी अरमान। अचानक अरमान के चाचा जी आगे आए और वो एक धीमी सी आवाज में दर्शन से बोले, भैया पर अरमान इस घर का इकलौता वारिस है। अगर अरमान की शादी आशिमा से हो गई तो हमारे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? वंश आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा बेटा भी तो है। दर्शन ने अपनी आंखें बंद की और वो अपनी मुट्ठी बांधते हुए बोला, ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है। अचानक दादी माँ बोली, बहुत हुआ, अब ये सब बंद भी करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आशिमा की शादी इस परिवार में होने दूंगा? ये सोचना भी मत, तुम सब पागल हो गए हो, आशिमा के डैड बोले। प्लीज आप शांत हो जाइए, आशा रोते हुए बोली। आशिमा अरमान को बहुत पसंद करती है। अरमान और आशिमा के ब्रेकअप का कारण भी तुम ही थी, आशा गुस्से से आशिमा के डैड की तरफ घूरते हुए देख रही थी। फिर उन्होंने एक परेशान सी आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से ही आशिमा का प्यार उससे छीन लिया गया, उसकी जिम्मेदार तुम ही हो। पर मैं आशिमा को पसंद नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अरमान की बात सुनकर दर्शन गुस्से से अरमान को उंगली दिखाते हुए बोला, अब जो मैं कहूंगा वही होगा। आप जो भी कहो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, देखता हूँ उन्हें कोई सुराग मिला कि नहीं। मैं आशिमा से मिलने बाद में आता हूँ। इतना कहकर अरमान हॉस्पिटल से चला गया। देखा तुमने अपने बेटे का एटीट्यूड, आशिमा के डैड गुस्से से बौखलाते हुए बोले। तुम फिक्र मत करो, हम उसे संभाल लेंगे, दर्शन ने एक आह भरते हुए कहा। दूसरी तरफ अरमान अपनी कार में बैठा और उसने विंडो ओपन की। फिर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद उसने कार स्टार्ट की और वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। अब आयशा को भी होश आ चुका था। मिस्टर दुबे जो कि इस केस के इंचार्ज थे, उन्होंने आयशा से पूछताछ की और फिर वो अरमान से मिलने बाहर आए। सर क्या आयशा को कोई दिमागी बीमारी है? अरमान सीधा पॉइंट पर आते हुए बोला, हमने आयशा के ब्लड टेस्ट करवाए थे जिनसे हमें पता चला कि वो आजकल ड्रग्स ले रही है, पर ये इस केस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मिस्टर दुबे ने अरमान को मेडिकल रिपोर्ट थमाते हुए कहा, आयशा की पूरी बॉडी पर बहुत से घाव हैं। जब वो सो रही थी तो हमारी एक फीमेल ऑफिसर ने उसकी बॉडी को चेक किया और वो आयशा की बॉडी को देखकर हैरान रह गई। उसे डंडे से मारा गया है, यहाँ तक कि उसके शरीर पर जलने के भी निशान है, और तो और उसके प्राइवेट पार्ट में भी घाव है। मुझे लगता है कि कोई उसे काफी टाइम से अब्यूज कर रहा है। ये सब सुनकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। जो भी हो, अरमान किसी लड़की के साथ ये सब होता हुआ नहीं देख सकता था, फिर चाहे वो आयशा ही क्यों ना हो। अरमान मन ही मन बड़बड़ाया, आखिर ये आशुतोष इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? सर ये सब आयशा के बॉयफ्रेंड का काम है। आयशा के बॉयफ्रेंड का नाम है आशुतोष मित्तल। हमने अपनी टीम को आशुतोष के घर भेज दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आशुतोष का लॉयर उसे आसानी से बेल दिलवा देगा, मिस्टर दुबे बोले। मैंने भी आयशा से पूछताछ की तो मुझे पता लगा कि वो अमित की गर्लफ्रेंड है। अमित ने उसे ब्रेकअप तनुजा की वजह से किया। मिस्टर गोयल मैंने सुना है कि तनुजा आपकी गर्लफ्रेंड है। आयशा का मानना है कि आज जो भी उसकी हालत है वो सिर्फ तनुजा की वजह से है। अब आयशा चाहती है कि वो तनुजा की खुशियां छीन ले ताकि वो उससे बदला ले सके। तभी आयशा ने आज आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की,
ताकि आपकी फैमिली तनुजा से आपकी शादी ना होने दे और तनुजा को भी आयशा की तरह घुट घुट कर जीना पड़े। अब आपकी दादी माँ, उनकी उम्र काफी ज्यादा है। आयशा को ये अच्छी तरह पता था कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, इसलिए उसने सबसे पहले उन्हें टारगेट बनाया। आशुतोष भी उसे काफी टाइम से टॉर्चर कर रहा था, वो उससे भी बदला लेना चाहती थी। ये सब सुनने के बाद अरमान का चेहरा मायूस नजर आने लगा। आखिर आयशा इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? उसने खुद तनुजा की जिंदगी खराब कर दी और अब वो तनुजा को जिम्मेदार ठहरा रही है। पर एक बात मुझे बहुत अजीब लगी, अरमान कुछ देर सोचने के बाद बोला, आशुतोष ने आयशा को मेंटली और फिजिकली बहुत अब्यूज किया। अगर कोई और लड़की होती तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन आयशा इतना सब सहकर आशुतोष को छोड़ क्यों नहीं रही? हम खुद ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर दुबे ने सिर हिलाया और वो बोले, हमें तनुजा से भी पूछताछ करनी होगी। एपिसोड 287, मुसीबत। ये सुनते ही अरमान परेशान नजर आने लगा। पर तनुजा का यहाँ क्या काम? वो तो आज पार्टी में मौजूद भी नहीं थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तनुजा को कुछ भी पता नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर गोयल, पर आयशा ये साफ साफ कह रही है कि उसका मकसद आपकी गर्लफ्रेंड तनुजा से बदला लेना है, इसलिए हमें उन्हें यहाँ बुलाना ही होगा। आज आपकी दादी माँ का बर्थडे था, वहाँ बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स और एंटरप्रेन्योर भी मौजूद थे। मुझे ये ऑर्डर मिला है कि मैं इस केस की तह तक पहुँचूं। वैसे भी आयशा अब उतनी पॉपुलर तो है नहीं जितना कि वो पहले थी, लेकिन अभी भी वो एक पब्लिक फिगर है। कल तक सभी रिपोर्टर इस बात तक पहुँच ही जाएंगे। अरमान ये सब सुनकर और उदास हो गया। अरमान ये अच्छी तरह जानता था कि पुलिस के भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, और इनके बीच अरमान कुछ नहीं बोल सकता। वो उठकर वहां से जाने लगा और जाते जाते बोला, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते मुझे लगता है कि मेरा आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि मैंने कुछ दिन पहले आशुतोष को और आयशा को बाहर देखा था। आशुतोष पब्लिक प्लेस में भी आयशा पर हाथ उठा रहा था। आयशा की बॉडी पर उस वक्त भी बहुत घाव थे। मुझे पूरा यकीन है कि वो आशुतोष आयशा को टॉर्चर करता है। अगर उसने आयशा को इतना परेशान नहीं किया होता तो शायद वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाती। मिस्टर गोयल, आशुतोष का कहना है कि ये सब कुछ उसकी और आयशा की मर्जी से हुआ। अगर हम आशुतोष को पकड़ते भी हैं तो भी हम उस पर बड़े चार्जेस नहीं लगा सकते, मिस्टर दुबे परेशान होकर बोले। मिस्टर दुबे अरमान को ये पहले ही बता चुके थे। अब अरमान को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या करे। आज पार्टी में भी आशुतोष अरमान को बार बार ये कह रहा था कि ये सब तनुजा की वजह से हो रहा है, और ये सोचकर अरमान का खून खौलने लगा था। उसने तुरंत अंकुश को फोन किया और वो बोला, ये खबर मीडिया में फैला दो कि फ्यूचर बिल्डर्स कंपनी का मालिक आशुतोष मित्तल काफी समय से आयशा को फिजिकली और मेंटली अब्यूज कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि रिपोर्टर्स को आज नहीं तो कल ये बड़ा सुराग मिल ही जाएगा। इस पर अंकुश ने कहा, पर सर आपके अंकल इस कंपनी में शेयर होल्डर हैं, उन्हें भी काफी बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो। मैं चाहता भी हूँ कि वो कंपनी बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो जाए और आशुतोष के पास कुछ ना बचे, अरमान ने गुस्से से कहा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इसके बाद अरमान अपना फोन चेक करने लगा। उसने देखा कि उसे काफी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं। इसमें से कुछ कॉल दर्शन की थी तो वहीं कुछ दीपिका की और कुछ तनुजा की। तनुजा ने उसे आज शाम 6 बजे के वक्त फोन किया था। उस समय अरमान पार्टी के अरेंजमेंट्स में बिजी था, इसलिए वो तनुजा का फोन नहीं उठा पाया। उसने तनुजा का नंबर डायल किया पर तनुजा ने फोन नहीं उठाया। फिर वो सोचने लगा कि शायद तनुजा स्टूडियो में बिजी होगी, क्योंकि तनुजा हमेशा स्टूडियो में अपना फोन साइलेंट मोड पर ही रखती थी। अब अरमान के पास तनुजा को एक मैसेज सेंड करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने तनुजा को मैसेज किया कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है, और उसे ये मैसेज मिले तो वो उसे तुरंत फोन करे। इसके बाद अरमान जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। दादी माँ अभी भी हॉस्पिटल में थी और साथ ही साथ आशिमा भी। अरमान जानता था कि आज आशिमा ने ही उसकी दादी की जान बचाई है, इसलिए उसका एक बार हॉस्पिटल जाना बनता है। आशिमा आईसीयू वार्ड में एडमिट थी और अरमान का उस वार्ड में जाना अलाउड नहीं था। वो बाहर से ही खड़ा आशिमा को देख रहा था। उसने जब आशिमा को विंडो से देखा तो पाया कि आशिमा को ड्रिप लगी हुई है और वो अभी भी वेंटिलेटर पर है। उसे अभी तक होश नहीं आया था, और ये देख अरमान को अपने सीने में भारीपन सा महसूस होने लगा।
हालांकि वो आशिमा को पसंद नहीं करता था, पर वो बचपन के दोस्त थे। वो एक साथ पले बढ़े थे। अगर आज आशिमा ना होती तो शायद अरमान की दादी भी जिंदा ना होती। ये सब सोच सोच कर ही अरमान को बहुत बुरा लग रहा था। आज जो भी आशिमा की हालत है उसमें कहीं ना कहीं उसकी फैमिली ही गुनहगार है। उसे आशिमा के लिए ये भी दुख था कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। हालांकि वो ये भी जानता था कि सिर्फ इस वजह से वो आशिमा से शादी तो नहीं कर सकता। यहीं उस वार्ड के बाहर दीपिका और आशा बैठे थे। वो दोनों एक बेंच के किनारे पर थे। आशा बिलख बिलख कर रोते हुए खुद से कह रही थी, मेरी बेटी अगर वो माँ नहीं बन पाई तो उसका क्या होगा। जैसे ही दीपिका ने अरमान को देखा तो वो बोली, भाई अभी पुलिस आई थी और वो उस आयशा को अपने साथ ले गई है। आशिमा के डैड भी उनके साथ पुलिस स्टेशन ही गए हैं। अरमान ने ये सुनकर सिर हिलाया और बोला, ठीक है, वैसे बाकी सब कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों हो? दादाजी थक गए होंगे इसलिए वो घर चले गए, और आप तो जानते ही हैं डैड का यहाँ होना ठीक नहीं था, इसलिए वो भी जा चुके हैं। ये कहते हुए दीपिका ने आशा की तरफ देखा और वो बोली, चाचा जी नीचे हैं और वो दादी माँ का ख्याल रख रहे हैं। हमारी फैमिली में से किसी को यहाँ रुकना ही चाहिए। अरमान दीपिका की बात अच्छी तरह समझ रहा था। वैसे भी आशिमा बेकसूर थी, वो तो आयशा को जानती तक नहीं थी। आर्म्ड फोर्सेस में होने की वजह से उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और दादी माँ की जान बचाई। इस समय वो इंसान थी जिसने गोयल फैमिली के मेंबर को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अरमान ये सब सोच ही रहा था कि दीपिका ने उदास होते हुए कहा, आज का दिन कितना अच्छा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जब आशिमा को पता लगेगा कि वो माँ नहीं बन सकती तो उस पर क्या बीतेगी, उसे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं होगा। एक लड़की के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। मैं मानता हूँ कि आशिमा के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, पर इस वजह से मैं उसे शादी तो नहीं कर सकता ना, अरमान ने धीमी आवाज में बेचैन होते हुए कहा। मुझे लगता है कि दादाजी को ये फील हुआ होगा कि हमें आशिमा की फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, दीपिका बोली। वैसे भी आशिमा के मॉम और डैड का डिवोर्स इसी वजह से हुआ था, क्योंकि हमारे डैड और आशा आंटी का अफेयर चल रहा था। दादाजी को आशिमा के डैड के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें यही लगता है कि वो अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, जिस वजह से ये सब हुआ। और आप तो जानते हैं कि आशिमा आपको कितना पसंद करती है, इसीलिए दादाजी हमारे कजन से उसकी शादी करवाने के लिए कभी नहीं कहते। दादाजी के पास दूसरा चारा नहीं था, और तो और आयशा ने भी दादी माँ पर अटैक सिर्फ तनुजा की वजह से किया। अब सबको यही लगता है कि ये सब तनुजा की वजह से हो रहा है। अभी आपकी और तनुजा की शादी तक नहीं हुई है, लेकिन सारी फैमिली तनुजा को नापसंद करने लगी है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे अंकल भी जिम्मेदार है, वो आशुतोष उनका ही तो दोस्त है। अगर आशुतोष यहाँ आयशा को ना लाया होता तो ये सब कभी ना होता, अरमान ने गहरी आवाज में कहा। सारी प्रॉब्लम तो यह है कि इस आयशा ने तनुजा का नाम सबके सामने ले लिया, दीपिका सीरियस होते हुए बोली। वैसे ये आयशा कैसी लड़की है, अभी उसकी जो भी हालत है वो सिर्फ उसकी खुद की वजह से है, पर वो बिना वजह तनुजा को ब्लेम कर रही है। वो जानबूझकर तनुजा को परेशान करना चाहती है, तभी तो वो आप दोनों को अलग करने के पीछे पड़ी है। नहीं, ये इतना सिंपल तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है, अरमान ने कुछ सोचते हुए कहा। वो आयशा पॉपुलर नहीं रही है, आखिर वो तनुजा के लिए खुद को हर्ट क्यों करेगी, जरूर कुछ ना कुछ और बात है। दीपिका एक पल के लिए ठहरी और फिर वो बोली, पुलिस ने बताया कि आयशा ड्रग्स ले रही थी। जब कोई ड्रग्स लेता है तो उसकी पर्सनालिटी में बहुत बदलाव आते हैं, साथ ही साथ आयशा को कोई दिमागी बीमारी भी हो सकती है। पर उसने यूं अचानक ड्रग्स लेना क्यों शुरू कर दिया, अरमान पीछे मुड़ा और वो बोला, कहीं ये सब अमित की वजह से तो नहीं हो रहा। ये सुनते ही दीपिका थोड़ी डर गई। मुझे लगता है कि पुलिस तनुजा को भी पूछताछ के लिए जरूर बुलाएगी। तुम जाओ और तनुजा को उसके अपार्टमेंट में जाकर ढूंढो, मुझे तनुजा की बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, दीपिका बोली। और अब आप क्या करेंगे, दीपिका ने पूछा। मैं अभी यहीं रुकूंगा, सबको ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो न जाने सब मेरे बारे में क्या बात बनाएंगे, अरमान ने एक झूठी हंसी हंसते हुए कहा। आप फिक्र मत करिए, चाहे दादाजी आपकी शादी आशिमा से कराना चाहते हो, लेकिन मॉम इसके लिए कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि अगर आपकी और आशिमा की शादी हुई तो मॉम आशा आंटी की समधन बन जाएंगी। मैं तो ये सब मॉम के सामने बोल तक नहीं सकती, ये सब सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आएगा।
दीपिका उदास होकर बोली और इसके बाद वो हॉस्पिटल से चली गई। यहाँ लेट नाइट तक तनुजा ने अपना काम खत्म किया और वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आई। आज पहली बार मिस्टर गोयल तुम्हें पिकअप करने नहीं आए हैं, कुणाल हंसते हुए बोला। तनुजा भी थोड़ी हैरान थी। अरमान ने तनुजा को कहा था कि वो डिनर पार्टी खत्म होते ही उसे पिकअप करने जरूर आएगा। वो सोचने लगी कि शायद अरमान किसी न किसी काम में फंस गया होगा। वो आज अरमान की दादी का बर्थडे है, ये कहते हुए तनुजा ने अपना फोन बाहर निकाला और अरमान का मैसेज देखा। ये मैसेज देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने पहले अरमान को इतना सीरियस वर्ड्स यूज करते हुए कभी नहीं देखा था। वो समझ गई थी कि कुछ तो जरूर हुआ है। एपिसोड 288 नफरत। अरमान का मैसेज पढ़ते ही तनुजा ने अरमान को कॉल बैक किया। अरमान की आवाज बहुत धीमी थी। क्या तुम फ्री हो गई हो? हाँ, तुमने मैसेज किया था ना कि तुम्हें मुझसे जरूरी बात करनी है। अरमान ये सुनकर कुछ देर चुप रहा और फिर वो बोला, वो मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुमसे पूछताछ करने पुलिस तुम्हारे पास जरूर आएगी। तनुजा ये सुनकर हैरान थी। उसके मन में न जाने क्या कुछ ख्याल आने लगे थे। वो यही सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया है जो पुलिस उससे पूछताछ करेगी। आज दादी माँ की बर्थडे पार्टी में आशुतोष मित्तल अपने साथ आयशा को लेकर आया था। जब दादी माँ वॉशरूम गई तो आयशा ने उन पर अटैक किया। पुलिस ने आयशा को अरेस्ट तो कर लिया है, पर वो बार बार सिर्फ यही कह रही है कि उसने ये सब तुम्हारी वजह से किया है और वो तुमसे बदला लेना चाहती है। आयशा चाहती है कि मेरी पूरी फैमिली तुमसे नफरत करे। तनुजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे तो पता ही नहीं था कि आज इतना कुछ हो गया है। वो परेशान होकर बोली, दादी माँ तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, पर तुम फिक्र मत करो, बस उन्हें पैर में मोच आई है। अरमान एक पल के लिए रुका और फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। आशिमा भी उसी वॉशरूम में थी और दादी माँ को बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। इस वक्त वो आईसीयू में है। ये सुनते ही तनुजा का दिल सहम सा गया। क्या वो अभी भी खतरे में है? अब वो खतरे से बाहर है, मैंने दीपिका को तुम्हारे पास भेजा है। मुझे यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि दादी माँ भी अभी यहीं पर हैं और आशिमा ने भी मेरी फैमिली के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, ऐसे में मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ मैं समझ रही हूँ। तनुजा के दिमाग में न जाने क्या कुछ चल रहा था। अब उसे घबराहट होने लगी थी। उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शुरुआत कैसे करे। कुछ देर बाद उसने फाइनली अरमान से कहा, अरमान ये सब क्यों हुआ? क्या आयशा सच में ये सब मेरी वजह से कर रही है? तुम इस बारे में मत सोचो यार, पुलिस ने बताया कि आजकल आयशा ड्रग्स ले रही है, उसकी बॉडी पर बहुत से घाव हैं। उसे आशुतोष ने फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया है, सच का पता लग ही जाएगा। अरमान ने तनुजा का हौसला बढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ओके। इतना कहकर तनुजा ने फोन रख दिया। इस वक्त अरमान की फैमिली तनुजा से और नफरत करने लगी थी और वही सबकी नजरों में आशिमा के लिए इज्जत और बढ़ गई थी क्योंकि आज उसने दादी माँ की जान जो बचाई थी। अरमान की फैमिली ही नहीं बल्कि अरमान भी आशिमा का शुक्रगुजार था। क्या आशिमा के इस बलिदान की वजह से अरमान तनुजा को छोड़ देगा? तनुजा ये सब सोच सोच कर ही घबराई जा रही थी। उसने सोचा था कि एक बार उसके डैड बेकसूर साबित हो जाएं, तो अरमान की फैमिली खुद ब खुद उसे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन क्या अब वैसा होगा? तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आयशा उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब तनुजा अपने अपार्टमेंट पहुंची तो उसने लिफ्ट ली। जब वो लिफ्ट में ही थी तो उसने देखा कि पुलिस उसका पहले से इंतजार कर रही है। दीपिका भी वहीं थी और वो पुलिस ऑफिसर से कुछ बात कर रही थी। तनुजा, हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं, मिस्टर दुबे ने कहा। एक केस के रिगार्डिंग हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। तनुजा तुम डरो मत, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस तुम्हें मिस्टर दुबे के सवालों का सही सही जवाब देना है, दीपिका ने तनुजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ मुझे अरमान ने सब कुछ बता दिया है। तनुजा मिस्टर दुबे की तरफ देखने लगी। क्या आप मुझे आयशा के पास ले जा सकते हो? मुझे भी उससे कुछ सवाल करने हैं। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। वो ये कह रही है ना कि उसकी जो हालत है वो सिर्फ मेरी वजह से है। आखिर मुझे भी तो पता लगे कि मैंने उसके साथ ऐसा किया क्या है। ठीक है, मिस्टर दुबे अपना सिर हिलाते हुए बोले, पर जो कुछ भी तुम कहोगी हम तुम्हारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, मिस्टर दुबे बोले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तनुजा ने कुछ भी गलत नहीं किया था इसलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था।
इसके बाद वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। जब वो रास्ते में थे तो मिस्टर दुबे ने तनुजा को आयशा की हालत के बारे में सब कुछ बताया। रात के 1 बजे वो सब पुलिस स्टेशन पहुंचे। तब जाकर तनुजा ने आयशा को देखा। आयशा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसने लाल रंग का सूट पहना था जो खून से रंगा हुआ था। क्या ये आशिमा का खून है? तनुजा इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि आखिर उस वक्त वॉशरूम में क्या सिचुएशन रही होगी। तभी आयशा ने नफरत भरी नजरों से तनुजा की तरफ देखा। तनुजा, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैंने अरमान की दादी माँ को मारने की कोशिश की, अब मैं देखती हूँ कि गोयल फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कैसे करती है। तनुजा ने टेबल पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से से कहा, आयशा, अगर सच में तुम मुझसे परेशान हो तो तुम मुझे मारने क्यों नहीं आई? तुम बेचारी दादी माँ को क्यों मारने के लिए गई? तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं बची? क्या तुम्हें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? आयशा हंसते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें मार देती तो फिर तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती। आखिर इसमें मजा कैसा? मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। आखिरकार तुमने वॉइस एक्टिंग में दोबारा अपना करियर शुरू कर ही लिया। तुम इतनी केपेबल तो हो ही कि तुम अमित से मुकाबला कर सको, और अरमान भी तुम्हारे इतना क्लोज है। तुम अरमान के साथ भी सिर्फ इसी वजह से हो ना, क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे रहा है। एक बार अरमान तुमसे दूर हो गया तो तुम वापस पहले जैसी हो जाओगी। आज मैं आशुतोष के साथ पार्टी में जानबूझकर आई थी। मैं जानती हूँ कि गोयल फैमिली बहुत पावरफुल है और वो आशुतोष को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ऐसे आशुतोष से भी मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तनुजा सब कुछ समझ गई थी। आयशा ने एक तीर से 2 निशाने लगाए थे। अगर तुम उस आशुतोष से इतनी नफरत करती हो तो तुमने उसे अब तक छोड़ा क्यों नहीं? आखिर तुम उसका टॉर्चर अभी तक क्यों सहती आई हो? ये सब तुमने पैसा पाने के लिए किया ना? तनुजा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ही साल बिताए हैं, पर मुझे इतना तो मालूम है कि तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर चाहे तुम्हें पेनल्टीज भी क्यों ना पे करनी पड़ी हो, फिर भी तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे। कम से कम इतने तो, जिससे कि तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओ। एक इंसान के पास जो कुछ भी है उसके लिए उसे भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। अपनी फैमिली के बारे में सोचो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़कर भी एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे जीना चाहती हूँ? ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने अमित को वो रिकॉर्डिंग भेजी। आयशा ने टेबल पर कसकर अपना हाथ मारा और वो चीखने चिल्लाने लगी। अब उसका खुद पर काबू नहीं रहा था। तभी वहाँ मौजूद फीमेल ऑफिसर पास आई और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद आयशा ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ। मैं जिंदा तो हूँ, पर मैं बहुत दर्द में हूँ। मैं चाहती हूँ कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। अमित ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब तुमने अमित को वो रिकॉर्डिंग भेजी तो उसने सिर्फ मुझे जॉब से टर्मिनेट किया और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया? वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अमित के आदमियों ने मुझे ड्रग्स देना शुरू किया। मैंने अपने सारे पैसे ड्रग्स पर खत्म कर दिए, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तनुजा हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आयशा ने ड्रग्स लेना अमित की वजह से शुरू किया है। अमित ने ना जाने कितने लोगों को खरीदा ताकि वो मुझे परेशान कर सके। उन सब लोगों ने मुझे मेंटली और फिजिकली भी टॉर्चर किया, आयशा उदास होकर बोली। मैं चाहे जहाँ कहीं भी होती थी, ये लोग मुझे ढूंढ ही लेते थे। जब मैं घर पर होती तो ये लोग आधी रात को आकर मेरे घर में घुस जाते। यहाँ तक कि कुछ लोग मुझे अजीब अजीब पैकेजेस भेजते। जब कभी मैं शॉपिंग पर जाती तो मुझे बाथरूम में ही लॉक कर दिया जाता। कभी मैं रात को बाहर होती तो ये लोग न जाने मेरे साथ कैसी कैसी हरकतें करते। आखिर इससे बुरा क्या हो सकता है? वो सब मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तनुजा ये सब सुनने के बाद कुछ नहीं कह पाई। जितना ज्यादा आयशा ये सब बोलती जा रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। यहाँ न्यूज चैनल्स पर न जाने मेरे बारे में क्या कुछ दिखाया जा रहा है। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। मेरा अब घर से बाहर निकलने तक का मन नहीं करता। मैं ड्रग्स की इतनी अडिक्ट हो गई हूँ कि मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। लेकिन मेरे पास ड्रग्स के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए न चाहकर भी मुझे उस आशुतोष के साथ रहना पड़ा। वो काफी रिच है और पावरफुल भी। उसने मुझे अमित से बचाया और मुझे पैसे भी दिए, पर मुझे क्या पता था, यह आशुतोष तो अमित से भी ज्यादा खतरनाक निकलेगा। ये तो दरिंदा है। उसने मेरी वल्गर फोटोग्राफ्स क्लिक की और मुझे ब्लैकमेल किया। उसने कभी मुझे इंसान समझा ही नहीं। वो मुझे बहुत मारता है,
यहाँ तक कि कई बार तो उसने मुझे जलाने की भी कोशिश की है, और तो और वो मुझे रस्सी से बांध कर भी छोड़ देता था। मैंने भागने की कोशिश की, पर हर बार वो मुझे फोटोग्राफ्स दिखाकर ब्लैकमेल किया करता था। मैं ड्रग्स नहीं छोड़ पा रही थी, जिस वजह से मुझे आशुतोष के साथ इतना कुछ सहकर भी रहना पड़ा। अगर मैं आशुतोष को छोड़ती तो अमित फिर से मेरे पीछे पड़ जाता। मैं अमित से तो बच बचाकर आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं आशुतोष से पीछा कैसे छुड़ाती। मैंने सब कुछ सहने की कोशिश की, पर दिन पर दिन आशुतोष का बिहेवियर और खराब होता गया। जब कभी भी उसका मूड खराब होता तो वो सारा गुस्सा मुझ पर निकालता। आयशा झूठी हंसी हंसते हुए ये सब कह रही थी। उस दिन जब मैंने तुम्हें, अरमान को और मिस्टर सिंघानिया को रेस्टोरेंट में देखा तो मैं हैरान रह गई। देखो तो तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो। अरमान तुमसे कितना प्यार करता है, और मेरा क्या हाल है। आशुतोष मेरे बाप की उम्र का है, क्या मैं ये सब डिजर्व करती थी। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं जानती थी कि आशुतोष अरमान की दादी माँ की बर्थडे पार्टी में जाने वाला है, इसलिए मैंने उससे जिद की कि वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अरमान की दादी को अगर मैं मारने में कामयाब रही तो गोयल फैमिली आशुतोष को छोड़ेगी नहीं, और जब कभी भी अरमान और उसकी फैमिली में कोई भी तुम्हारी तरफ देखेगा तो उन्हें तुमसे नफरत होने लगेगी। अरमान यही सोचेगा कि आखिर वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों है। सच्चा प्लान था ना मेरा, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। पर मैं क्या करूं, मैं अपने प्लान में कामयाब ही नहीं हो पाई। उस लड़की ने मुझे आकर रोक दिया। जैसे ही आयशा ने अपनी बात खत्म की, उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथ तनुजा की तरफ बढ़ाए और वो उस पर हमला करने दौड़ पड़ी, पर तभी पुलिस ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया। आयशा, जो कुछ तुमने सहा वो मैंने भी सहा है, मुझे भी परेशान किया गया है, मुझे भी कई बार बाथरूम में लॉक किया गया, पर मैं फिर भी कभी तुम्हारी जैसी नहीं बनी। तनुजा ने एक शांत सी आवाज में कहा, हाँ मैंने कुछ लोगों को हायर किया था ताकि वो तुम्हें परेशान करें। जब अमित को ये सब पता लगा तो उसने मन बनाया कि वो मेरे साथ भी यही सब करेगा। मेरी ये हालत कभी ना होती अगर उस अमित ने मुझे ड्रग्स के जंजाल में ना धकेला होता। आयशा उदास होकर बोली, तो वो सब मेरे साथ अमित ने नहीं किया था। तनुजा हैरान थी। तनुजा तुम इतनी खुश कैसे रह सकती हो, तुम्हारे डैड तुम्हें इतना प्यार करते हैं, अमित तुम्हें इतना पसंद करता था, और तो और अब तुम्हारे पास अरमान भी है। आयशा के चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी, मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। तनुजा को आयशा की बातों पर गुस्सा आने लगा था। तनुजा को आयशा की ये सब बातें बहुत बचकानी लग रही थीं। आयशा तुम लकी थी कि दादी माँ को कुछ नहीं हुआ, तुम ड्रग्स लेना बंद कर दो, तुम अभी भी जवान हो, खूबसूरत हो, तुम चाहो तो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। आखिर अब तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है, आयशा दांत मिसमिसाते हुए बोली। मैं और अरमान एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम इतनी आसानी से ब्रेकअप नहीं कर सकते। अगर अरमान ने मुझसे ब्रेकअप कर भी लिया तो भी मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने अपनी जिंदगी के कुछ पल अरमान के साथ बिताए। तनुजा उठी और धीमी सी आवाज में बोली। इसके बाद वो वहां से जाने लगी। मैं तुम्हें यही बद्दुआ देती हूँ कि अरमान तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारे डैड सारी जिंदगी जेल में काटे, आयशा चीखती हुई बोली। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, तनुजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। दीपिका तनुजा के पास आई और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोली, अब सब कुछ क्लियर हो गया है, आयशा की हालत के पीछे आशुतोष और अमित का हाथ है। हम आशुतोष को अरेस्ट कर लेंगे, मिस्टर दुबे बोले, और रही बात अमित की तो हमें इस केस की और छानबीन करनी होगी। थैंक यू तनुजा। एपिसोड 289, अनचाहे रिश्ते। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद दीपिका एक आह भरते हुए बोली, वैसे आशुतोष को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। आयशा के घाव और उन दोनों की पब्लिकली कुछ ऐसी पिक्चर हैं जिनसे ये साफ साफ देखा जा सकता है कि आशुतोष आयशा पर हाथ उठाता था। हालांकि अमित के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, पर मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को कोई बड़ी सजा होगी। पर जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हमारी फैमिली और आशिमा की फैमिली के बीच कड़वाहट जरूर आ गई है। तनुजा ने अपना सिर हिलाया। आयशा चाहती भी यही थी, आजकल दुनिया कितनी मतलबी है, तनुजा एक कड़वाहट भरी आवाज में बोली। आखिर अमित की गई गलतियों की सजा मुझे क्यों मिल रही है, मैंने क्या गलत किया है। सारी गलती उस आयशा की है, दीपिका बोली, वो तुमसे जलती है और यही वजह है कि वो ये सब कर रही है।
वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि पहले उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तभी उसके साथ ये सब हो रहा है। वो तो शुक्र है भगवान का कि आशिमा सही वक्त पर वहां पहुंच गई। अगर दादी माँ को कुछ हो जाता तो शायद मेरा और अरमान का रिश्ता भी खत्म हो जाता। तनुजा ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे आशिमा को थैंक यू बोलना चाहिए। ये सुन दीपिका मुस्कुराई। वो तनुजा को बताना चाहती थी कि आशिमा अब कभी माँ नहीं बन सकती, पर उसने खुद को ये कहने से रोक लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो तनुजा को ये सब बताए। तनुजा पहले ही बहुत परेशान थी। अगर इस वक्त वो तनुजा को ये सब बताती तो शायद तनुजा और परेशान हो जाती। चलो वापस घर चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं टैक्सी लेकर खुद चली जाऊंगी, तुम भी बहुत थक। इससे पहले कि तनुजा अपनी बात खत्म करती, दीपिका को किसी का फोन आने लगा। जैसे ही वो मुड़ी तो उसने सामने से आशा को आते हुए देखा। आशा की आंखें लाल पड़ चुकी थीं। वो आशा को देखकर दंग रह गई। आशा आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो इस वक्त आशिमा के पास हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैंने पुलिस को कहते सुना था कि आयशा पुलिस स्टेशन में है, मैं उसे एक बार देखना जरूर चाहती थी। अरमान आशिमा के पास रुका हुआ है, आशा ने तनुजा की तरफ देखते हुए कहा। उसे तनुजा काफी जानी पहचानी लग रही थी। अच्छा, दीपिका ने कहा। इसके बाद उसने तनुजा का हाथ पकड़ा और उसे कुछ भी ना बोलने का इशारा किया। ठीक है, आप अंदर चली जाइए। आशा वहां से जाने ही लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी तभी वो पीछे मुड़कर ऐसे देखने लगी जैसे मानो उसे कुछ अचानक याद आ गया हो। दीपिका, अब मुझे याद आया कि मैं लास्ट टाइम तुम दोनों को एक मॉल में मिली थी, क्या यही तनुजा है? तनुजा और चुप नहीं रह सकती थी। वही दीपिका काफी नर्वस दिखाई देने लगी। तनुजा ने आगे झूठ बोलना ठीक नहीं समझा। वो बोली, हाँ मैं ही तनुजा हूँ। तनुजा की बात सुनते ही आशा के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। उसने अपने हाथ को तनुजा की तरफ बढ़ाया और वो बोली, तुम्हारी वजह से ही आज मेरी बेटी की यह हालत है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर आशा ने तनुजा पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन दीपिका ने तनुजा का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। फिर वो तनुजा से बोली, तनुजा चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब देखकर तनुजा का दिल सहम सा गया था। तुमने तो कहा था कि आशिमा खतरे से बाहर है, तनुजा ने दीपिका से पूछा। आंटी आप शांत हो जाइए, अगर आप सच जानना चाहती हैं तो आप पुलिस से जाकर सब कुछ पूछ सकती हैं। तनुजा के साथ खुद गलत हुआ है, दीपिका ने झट से कहा और उसने आशा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। आखिर इसके साथ क्या गलत हुआ होगा, आशा गुस्से से चिल्लाती हुई बोली। मुझे तो ये बिल्कुल सही सलामत दिख रही है, आशिमा अब कभी माँ नहीं बन पाएगी, इससे बुरा और क्या हो सकता है। ये सुनकर तनुजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो परेशान होते हुए दीपिका की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखने लगी। दीपिका क्या ये सच है? दीपिका के पास बोलने को कुछ नहीं था, वो अपनी नजरें झुकाए खड़ी रही। तनुजा मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस आशुतोष और अमित की है। दीपिका तुम ये सब बोल भी कैसे सकती हो, आशिमा तुम्हारी दोस्त है, तुम दोनों एक साथ पले बढ़े हो, आशा ने अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहा। और कुछ ही देर में उसकी आंखों में आंसू उभर आए। अगले ही पल आशा तनुजा को उंगली दिखाते हुए बोली, तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही हो, अगर वो पागल लड़की तुमसे नफरत ना करती होती तो वो आज अरमान की दादी को मारने की कोशिश क्यों करती? उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम अरमान के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम्हारी वजह से इतने लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तनुजा के दिमाग में इस वक्त ढेरों सवाल थे। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। वो खुद एक लड़की थी और वो आशिमा का दर्द समझ सकती थी। अगर वो आशिमा की जगह होती तो शायद उसे ऐसा लगता कि उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई है। अब आशिमा के बारे में जानने के बाद कोई लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होगा, और अगर उसके हस्बैंड को ये शादी के बाद पता लगा तो उनका डिवोर्स भी जरूर हो जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो अरमान को छोड़कर चली जाओ। अरमान के दादाजी ने एक फैसला लिया है, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी अरमान लेगा और उसे आशिमा से शादी करनी होगी, आशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। आशा की बात सुनते ही तनुजा को मानो विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिर पर हथौड़े मार रहा हो। तनुजा को तो यही लगा कि आयशा के इस कदम से गोयल फैमिली उससे नफरत करने लगेगी, पर उसे क्या पता था कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से अरमान की फैमिली इतना बड़ा फैसला ले लेगी। तनुजा तुम परेशान मत हो,
तुम जानती हो ना भाई, आशिमा से शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, दीपिका ने झट से तनुजा को संभालते हुए कहा। दीपिका भी इस वक्त बहुत परेशान थी। आंटी जी, जब आशिमा होश में आ जाएगी और उसे ये सब पता लगेगा तो वो भी इस फैसले से खुश नहीं होगी, दीपिका ने एक सीरियस लुक देते हुए कहा। मैं मानती हूँ कि वो मेरे भाई को बहुत पसंद करती है, पर वो ऐसी सिचुएशन में शादी नहीं करना चाहेगी। वो एक सोल्जर है, उसने जो कुछ भी किया सोल्जर की तरह किया। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी दादी की जान बचाई। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। दीपिका, ये तुम क्या कह रही हो, आशा बेरुखी से बोली। तनुजा का शरीर ये सब सुनकर कांप रहा था। मेरी मॉम भी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। जो कुछ भी मेरे डैड और आपके बीच था, उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरी मॉम आपसे रिश्ता रखना चाहेंगी? रही बात आशिमा की, तो गोयल फैमिली आशिमा का पूरा जिंदगी ख्याल रखने को तैयार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अरमान भाई की शादी आशिमा से कर दी जाए। इतना कहने के बाद दीपिका ने तनुजा का हाथ पकड़ा और वो उसको वहां से लेकर चली गई। कार में तनुजा ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपा लिया। जो भी हो, आशा ने एक बात तो सच कही थी कि आशिमा बेकसूर है, और जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आयशा तनुजा से नफरत करती है। तनुजा, तुम फिक्र मत करो, दीपिका ने इतना कहते ही अपनी मॉम को फोन लगाया। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे इतनी रात को फोन क्यों कर रही हो, मैं सो रही थी, सीमा की आवाज गूंजी। उसकी आवाज से ही पता लग रहा था कि वो नींद में है। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, दादाजी अरमान भाई की शादी आशिमा से कराना चाहते हैं, दीपिका ने सीमा को आज जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। दीपिका की बातें सुनने के बाद सीमा की नींद कहीं उड़ गई। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि दादाजी चाहते हैं कि आशा और मैं समधन बन जाएं? दीपिका ने कहा। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। उन्हें क्या लगता है कि वो जो चाहेंगे हमेशा वही होगा? सीमा काफी गुस्से में लग रही थी। मैं आशा से नफरत करती हूँ और मैं मरते दम तक उससे नफरत करती रहूंगी। मैं अभी जाकर दादाजी से बात करती हूँ। मामा, अभी रात के 3 बज रहे हैं, आप अभी कहाँ जाएंगी? आप कल सुबह उनसे मिलने जाना, वैसे भी इस वक्त सब सो रहे होंगे, दीपिका बोली। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सुनने के बाद मुझे नींद आएगी? सीमा की आवाज तेज हो गई। वो चाहकर भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रही थी। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, आखिर वो लोग अपने आप को समझते क्या है? मॉम, आप शांत हो जाइए, इस वक्त तो गार्ड भी सो रहे होंगे, अगर आप वहां पहुंच भी गईं तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, दीपिका बोली। ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी उनसे मिलने जाती हूँ। मैं अपने साथ तुम्हारी नानी और नाना जी को भी लेकर जाऊंगी। और हाँ, तनुजा से कहना कि वो फिक्र ना करे, अगर वो अरमान की शादी उस आशिमा से कराएंगे तो उन्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। एपिसोड 290, नाराजगी। देखा तुमने, दीपिका ने मुस्कुराते हुए तनुजा से कहा। अब तुम फिक्र मत करो, मॉम भाई की शादी आशिमा से कभी नहीं होने देंगी। अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तनुजा की थोड़ी चिंता कम जरूर हो गई थी, कम से कम उसकी साइड कोई तो था। पर आशिमा के बारे में सोचकर उसके चेहरे की हंसी कहीं गायब सी हो गई। आखिर आशिमा अपनी सारी जिंदगी कैसे बिताएगी? तनुजा ये सोच सोच कर ही परेशान थी। अगर मैं अरमान के साथ रिलेशनशिप में ना होती तो आज आशिमा का ये हाल ना होता। आशिमा का नाम सुनते ही दीपिका को भी आशिमा के लिए बुरा लगने लगा। वो दोनों बचपन में एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। हालांकि वो अक्षत की वजह से आशिमा को पसंद नहीं करती थी, पर वो ये जानती थी कि आशिमा के दिल में अक्षत के लिए कुछ नहीं है, और अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचाना सबके बस की बात नहीं है। तनुजा, तुम्हें ये समझना होगा कि अरमान भाई और आशिमा का पास्ट था। अब अगर अपना फर्ज निभाने के लिए भाई को आशिमा से शादी करनी भी पड़ी तो भी वो सारी जिंदगी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि इससे किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ऐसे में आशिमा को भी सारी जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ेगी। ये दोनों में से किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। दीपिका भी परेशान थी। तनुजा भी दीपिका की बातों से सहमत थी, पर फिर भी वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी। दीपिका के जाने के बाद तनुजा बेड पर लेटी करवटें बदलती रही। आज उसे नींद नहीं आ रही थी। जब सुबह हुई तो उसने सुना कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। उसने झट से दरवाजा खोला तो दरवाजे पर अरमान को खड़े पाया। अरमान का चेहरा बहुत थका हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखों को देखकर ये साफ पता लग रहा था कि वो पूरी रात नहीं सोया है।
उसके कपड़ों में सिलवटें पड़ चुकी थीं और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। उसके हाथों में पैक्ड फूड था। तुम इतनी सुबह यहाँ? तनुजा अरमान की हालत देखकर थोड़ी परेशान थी। दीपिका ने बताया कि तुम्हारे मन में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे हैं और तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। अरमान इतना कहकर अंदर आ गया। उसने दरवाजे को बंद कर दिया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाना टेबल पर रखा और वो तनुजा के चेहरे की तरफ देखने लगा। तनुजा को देखकर उसे भी ये महसूस हो गया कि तनुजा भी सारी रात नहीं सोई है। क्या हुआ, कल रात तुम सोई नहीं? अरमान ने तनुजा के चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। हालांकि थके हुए चेहरे और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स के बावजूद भी तनुजा बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर अरमान ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि तनुजा इस तरह परेशान रहे और अपनी सेहत को खराब कर ले। इतना सब हो जाने के बाद आखिर मुझे नींद कैसे आ सकती है? तनुजा ने उदास होते हुए कहा। अब आशिमा और दादी माँ कैसे हैं? दादी माँ को जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, पर अरमान ने तनुजा को गले से लगाते हुए कहा। पर आशिमा को अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसे भी जल्द होश आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे तो लगा था कि वो खतरे से बाहर है। तनुजा ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और वो अरमान के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे पेट में काफी गहरा घाव आया है, हालांकि वो अब खतरे से बाहर तो है, पर उसे ठीक होने में काफी वक्त लग जाएगा। डॉक्टर ने उसे अब ऑब्जर्वेशन में रखा है, अरमान ने उदास होकर कहा। तनुजा कुछ देर के लिए अरमान की तरफ देखती रही। तनुजा ये साफ साफ देख पा रही थी कि अरमान उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए तनुजा ने खुद ही हिम्मत करके पूछा, क्या आशिमा सच में कभी माँ नहीं बन पाएगी? अरमान ने उदास होकर अपना सिर हिलाया और कहा, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तनुजा ने इतना कहकर अरमान को खुद से दूर किया। उसकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। आयशा ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है, लेकिन उसने मेरी वजह से उन लोगों को दुख पहुंचाया जो बेकसूर थे। जो कुछ भी आशिमा के साथ हुआ, इससे अच्छा तो वो मेरे साथ हो जाता। तुम ये सब क्या कह रही हो? ये सब उस आशुतोष की गलती है। अगर उसने आयशा को टॉर्चर नहीं किया होता तो वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाती। अरमान ने तनुजा के कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहा। अरमान का चेहरा पीला पड़ चुका था। अगर तुम सच में किसी को दोषी ठहराना चाहती हो तो वो अमित है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये मत भूलो कि उन सब लोगों ने तुम्हें पहले कितना दुख पहुंचाया है, भगवान उनको उनके किए की सजा दे रहा है। जब मैं अमित के साथ थी तब भी वो मेरे आसपास के लोगों को परेशान किया करता था, फिर चाहे वो मैं हूँ या मेरे डैड। जब से मैं तुमसे मिली मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तुमने मुझे सबसे बचा कर रखा, देखो आज अचानक क्या हो गया, मेरी वजह से तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ रहा है। तनुजा ने अपना चेहरा छुपाकर अरमान को गले से लगा लिया। आज आयशा ने ये सब किया है, क्या पता अगली बार अमित भी कुछ ऐसा ही करे। तनुजा काफी डरी हुई थी। तुम्हें लगता है कि मैं ये दोबारा होने दूंगा? अरमान ने तनुजा की तरफ देखते हुए कहा। कल सारी रात मैं यही सोचती रही कि अगर दादी माँ को कुछ हो जाता तो क्या होता। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो शायद दादी माँ आज जिंदा ना होती। अगर दादी माँ को कुछ हो जाता तो हम एक साथ भी ना होते। तनुजा ये सब कहते हुए काफी मायूस थी। अरमान कभी किसी चीज से डरता नहीं था, लेकिन आज तनुजा की ये सब बातें सुनकर वो थोड़ा सहम सा गया था। सच तो ये था कि अगर आशिमा की जगह वहाँ कोई और मौजूद होता तो भी दादी माँ जिंदा ना होती। यही कारण था कि अरमान को आशिमा के लिए और भी बुरा लग रहा था। अरमान हम फिर भी एक साथ हैं, पर आशिमा, आशिमा का क्या होगा? तुम्हें कुछ करना होगा, तनुजा ने एक मायूसी आवाज में कहा। मुझे लगता है तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं आशिमा से शादी कर लूं? अरमान ये समझ पा रहा था कि तनुजा क्या कहना चाहती है और वो तनुजा की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी खुशियों को भूलकर उससे शादी कर लूं, क्योंकि उसने मेरी दादी माँ की जान बचाई है? सॉरी, मुझसे ऐसा नहीं होगा। तनुजा के पास बोलने को कुछ नहीं था। देखो तनुजा, अगर मेरी आशिमा से शादी हुई तो ये तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी किसी सदमे से कम नहीं होगा। इससे पहले कि तनुजा कुछ कहती, उसे समझ आ गया कि अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगले ही पल अरमान ने तनुजा के आंसू साफ किए और उसे गले से लगाया। वो तनुजा को ऐसे परेशान नहीं देख सकता था।
तनुजा ये भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर अरमान की शादी आशिमा से हो भी गई तो भी वो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगी। अरमान ने अचानक तनुजा के माथे को चूमा और वो उसकी आंखों में देखने लगा। इससे पहले कि अरमान आगे कुछ कहता, अरमान का फोन बज उठा। तनुजा ने अरमान को दूर धकेला और वो बोली, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो, कुछ जरूरी भी हो सकता है। अरमान ने एक बार फिर तनुजा के माथे को चूमा और इसके बाद उसने फोन उठाया। फोन उठाते ही सीमा की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं तुम्हारे दादाजी के घर मिलने जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे डैड से बहुत सी चीजें क्लियर करनी है, तुम भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाओ। अगर तुम्हारे डैड और मेरा झगड़ा हो गया तो तुम्हारा वहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी है। अरमान ने तुरंत घड़ी की तरफ देखा और वो बोला, पर अभी अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, आप इतनी जल्दी वहाँ क्यों जा रही हैं? मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, मुझे गुस्से में नींद ही नहीं आई। आखिर वो लोग तुम्हारी शादी उस आशिमा से कैसे करा सकते हैं? मैं और वो आशा समधन, ये कभी नहीं हो सकता, सीमा गुस्से से बोली। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो। इस पर अरमान बोला, मामा परेशान मत हो, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, बात प्यार से भी की जा सकती है। मैं उन सबको पहले प्यार से ही समझाऊंगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। इतना कहने के बाद सीमा ने फोन रख दिया। चलो तुम जल्दी से वहां पहुंचो, तनुजा ने अरमान को जाने को कहा, कहीं तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत ना हो। तुम अपनी होने वाली सासू माँ की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं करती, अरमान ने तनुजा को छेड़ते हुए कहा। कुछ देर बाद वो हंसता हुआ वहां से चला गया। जब वो गोयल मेंशन पहुंचा तो सीमा वहां पहले से मौजूद थी। सीमा अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लाई थी। हालांकि वो लोग तनुजा को इतना पसंद नहीं करते थे, पर जब उन्होंने ये खबर सुनी कि अरमान को आशिमा से शादी करने को कहा जा रहा है तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर सीमा के साथ गोयल मेंशन